टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। दरियाओं का मीठा पानी बहता खो जाता पानी, ये बहर में गुम हो जाता है, कितना जाया हो जाता है। बेटोक ये खींचा जाता है और जेर जमीन घट जाता है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। बिनमोल नहीं, अनमोल है ये। लाइसेंस परमिट लाजिम ठहरे। अब कोई भी असर ताकत से इसे जेर जमी से ना खींचे। अब कोई भी चोरी कर ना सके, इसे अपनी जमी तक ना मोड़े। नहरों से रिश्ता पानी हुआ सेम सदा खारा पानी, करना है नुकसान से सबको बचाना है। नई तर्ज से बीज लगाना है, कम खर्च में फसल उगाना है। चश्मे झरने नहरें दरिया कुदरत के सब तोहफे हैं। फुजले में डूबा ये पानी से जहर से पाक बनाना है। साफ और शफाफ बनाने को अब ट्रीटमेंट प्लांट लगाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, हर सूरत इसे बचाना है। हर कतरे पर है सबका हक, सब तक पानी पहुंचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। कर लो तुम पानी से प्यार, हर सूरत इसे बचाना है। पानी एक खजाना है, पानी एक खजाना खवातीनो हजरात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आपको आज के शो में खुश आमदेद कहते हैं। द मॉर्निंग स्टार आज आपके लिए क्या कुछ लेकर आया है, ये एक बंद मुट्ठी है। लेकिन ये बंद कहते बंद मुट्ठी लाख की, यहाँ उल्टा है। हमारी बंद मुट्ठी खाक की होती है, खुल जाती है तो फिर लाखों की होती है। और आपको ऑफकोर्स वो फ़ायदे पहुँचते हैं जो कि आपको बाकी शोज़ में देखने से नहीं मिलते। हम हर वो चीज़ आपको बताते हैं जो कि आप जानते हैं लेकिन भूल गए हैं, और जिन बातों के बारे में आपके अंदेशे हैं वो अंदेशे हम दुरुस्त करते हैं। खवातीन और हज़रात, आज का दिन हम शुरू करते हैं। आप जानते हैं सिगरेट पीना कितनी बुरी आदत है, और आजकल हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कितनी तेज़ी से इस तरफ जा रही है, और बाकी काफ़ी अरसे से जा रही है। आप लोग सिगरेट तो नहीं पीते? पक्का
देखिए हमारा जो बैंड है ना, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों का एक ग्रुप है। हमें हमेशा यही कोशिश करते हैं कि मेरी टीम के अंदर कोई सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया इस तरह की चीज़ें ना खाए, क्योंकि इसका आपकी शख्सियत पे, आपकी सेहत पे बहुत ही मुज़र असर पड़ता है। और आप लोग ये भूल जाते हैं कि आपसे कितने ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट होता है, घर के छोटे बच्चे। आपको पता नहीं कि आप घर के छोटे बच्चों के लिए आप एक हीरो होते हैं। वो आपको देख के बड़े हो रहे हैं, जब वो देखते हैं कि उनके वालिद साहब या उनके दादा या घर में जो बड़े हैं वो इस तरह करके बात कर रहे हैं, तो मोटर चला दी। अब वो छोटा सा बच्चा, अब आप उसको ओ लेवल्स करा लें, ए लेवल्स करा लें, आप उसको दुनिया की तालीम दें, जब उसने अपने हीरो को यार जरा ढोलक तो बजाओ भाई, अगर उसे देखा भाई घर में ये, तो फिर बड़ा हो गया वो क्या सीखेगा, खाक। तो प्लीज़ इस तरह की जितनी भी बुरी आदतें हैं, आज से आप अगर देख रही हैं टीवी इस वक्त, तो आप ये ज़रूर जो ऑल फॉल चीज़ों पे कि मेरी तुमने अम्मी को गिफ्ट नहीं दिया मैं घर जा रही हूँ, तुमने मेरी बहन की बर्थडे नहीं मनाई मैं घर जा रही हूँ, ये वाली बातें आज आपने इस तरफ करनी कि अगर आज के बाद तुमने पान छालिया या गुटखा खाया या सिगरेट पिया तो मैं घर चली जाऊँगी बच्चों समेत। तो प्लीज़ ये जो चीज़ें हैं ना, इससे मर्द हजरात काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऑफकोर्स हर इंसान चाहता है उसके घर का एक अच्छा माहौल बना रहे, और अच्छा माहौल उसी वक्त बनता है जब आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है। आप लोग जानते हैं हमारी ज़िंदगी में, आपको बताए कभी आप सोचते हैं कि हम लोग इतनी सारी जो एक साइंस ने जो चीज़ें ईजाद की हैं, आजकल हम पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, और अब ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि उनके बगैर लगता है कि अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे। जैसे मोबाइल फ़ोन है, जैसे आपके घर के अंदर जिन लोगों के घर में एसी है, आजकल तो एसी भी चलाना एक बहुत बड़ी लग्जरी होता जा रहा है, जिस तरह के बिल आ रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत से कराने वाले हैं। आप सबके घरों में रेफ्रिजरेटर्स होंगे, फ्रिज होगा जिसको कहते हैं, जिसके अंदर आप लोग सामान स्टोर कर देते हैं, गोश्त रखते हैं, रात का खाना रखते हैं, अंडे रखते हैं, और आप उसके अंदर अपना घर का मतलब जितना भी मिल्क होता है, चीज़ें होती हैं वो रखते हैं, और उसको आप बाहर हाथ खोलते हैं, चीज़ें करते हैं। और कभी हम ये सोचते हैं, कभी आपने ये सिर्फ सोचे, जस्ट अ थॉट मैं आपको कह रहा हूँ, कि अगर रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाए, घर में नहीं हो, तो आप सोचिए उन सारी चीज़ों का क्या होगा जो आप लोग एकदम से जाके ग्रॉसरी में बल्क में ले लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें लेकर आ गए और सोचा अरे यार फ्रिज में रख दो, कोई ज़रा सा खाली, हाँ यार इसको फ्रिज में रख दो। तो हमने ये चीज़ कभी सोची और रियलाइज़ नहीं की कि फ्रिज हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज हम आपकी बात कराने वाले हैं द किंग ऑफ फ्रिज, हमारे साथ हैं काशिफ जावेद, डायरेक्टर एट हायर, डायरेक्टर रेफ्रिजरेटर एट हायर। सलाम काशिफ, कैसे आप? आई एम गुड, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे बताइए, हायर रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर, व्हाट इज़ इट? इन्वर्टर, रेफ्रिजरेटर, मिक्सी, क्या चीज़ है? अच्छा पहले मैं आपको हायर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ, बैकग्राउंड शेयर करूँगा। बेसिकली वी आर वर्किंग इन दिस वर्ल्ड सिंस 1984, और पाकिस्तान में हम लोग 2001 से काम कर रहे हैं। अब हायर रेफ्रिजरेटर बेसिकली वंस, नॉट ओनली हायर रेफ्रिजरेटर, जब भी कोई हम प्रोडक्ट बनाते हैं पहले हम अपने कस्टमर को, कंज्यूमर को समझते हैं कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, क्या खाता है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। सर्विस के थ्रू? यस, हम रिसर्च करते हैं प्रॉपर, हम कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं ज़ीरो डिस्टेंस पे, हम देखते हैं कि वो कैसे अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकता है, अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। हम उसकी नीड्स और वॉन्ट्स को समझते हैं, जानते हैं, कोशिश करते हैं कि वो रियल टाइम कस्टमर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और गुजारना चाहता है वो हम समझें। देन फिर हम ग्लोबल अपनी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम समझते हैं, देन हम इन दोनों चीज़ों को इंटीग्रेट करके अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं। अब स्पेशली वंस वी कम्स टू द रेफ्रिजरेटर, तो होता ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल हैं कि बिजली महंगी होती जा रही है, वोल्टेज के बहुत ज़्यादा सवेर इशूज़ हैं, लोड शेडिंग के बहुत ज़्यादा सवेर इशूज़ हैं, फिर लोगों को अपना लाइफ स्टाइल भी इम्प्रूव करना है, तो दैट्स वट वी डू फॉर आवर रेफ्रिजरेटर, कि हम अपना जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करें स्पेशली इन दिस कैटेगरी, वो हमारे कस्टमर्स की तमाम करंट और फ्यूचर दोनों नीड्स को वो फुलफिल करता है। जी बिल्कुल, ठीक है। तो ये इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर क्या चीज़ है? हमने बेसिकली जब टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी विद द पैसेज ऑफ टाइम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इम्प्रूव होती जा रही। किसी दौर में ऐसे कंप्रेसर्स आ रहे थे जो जितनी भी कूलिंग प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली वो सारी की सारी कंप्रेसर्स बेस्ड हैं, वो कंप्रेसर के थ्रू कूलिंग प्रोड्यूस करती हैं। एसी है, डी फ्रीज़र है, रेफ्रिजरेटर्स हैं। इसमें एक कंप्रेसर आता था जो बंद होता था, चलता था, एंड देन फाइनली बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम होती थी। उसके बाद एक इरा आया जिसमें ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आई। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको बिजली की बचत देती है बहुत ज़्यादा विद रेफरेंस टू द कन्वेंशनल वन।
हमने 2018 में पहला अपना इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया था, डिजिटल इन्वर्टर। फिर हमने डिजिटल इन्वर्टर सेकेंड जनरेशन लॉन्च किया। अभी हमने 2022 में डिजिटल इन्वर्टर प्लस थर्ड जनरेशन ऑफ दिस काइंड रेफ्रिजरेटर पाकिस्तान में लॉन्च, जो बेसिकली कस्टमर की करंट नहीं बल्कि फ्यूचर नीड्स को भी सेटिस्फाई करता है। मज़े की बात यह है कि इसमें, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ मजीद करूँ, इसमें हम लोग डिजिटल कंट्रोल सिस्टम यूज़ करें, 4 टेम्परेचर सेंसर्स हैं इसके अंदर, फिर लेटेस्ट काइंड है सेकेंड जनरेशन FD इन्वर्टर कंप्रेसर है इसमें। अब ये तीनों चीज़ें मिलके बेसिकली इस यूनिट को एक जिंदा जावेद इंसान की तरह, तो नहीं, वो तो अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम तो नहीं कुछ कर सकते ना ही बना सकते, लेकिन एक सेल्फ इंटेलिजेंट के थ्रू ये काम करता है। कस्टमर अपना रिक्वायर्ड टेम्परेचर बताता है डिजिटल कंट्रोल पैनल पे, सेंसर्स की मदद से सेंस करता है रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर की मदद से वो कूलिंग इंश्योर करता है, और फाइनली जो कस्टमर को चाहिए टेम्परेचर वो अवेलेबल भी होता है और नज़र भी आ रहा होता है स्क्रीन के ऊपर कि ये टेम्परेचर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यस, एंड दैट्स द रेफ्रिजरेटर दैट थिंक्स हिमसेल्फ। काश हम इससे बात भी कर सकते, बात तो नहीं कर सकते फाइनली। हाँ, इसमें आप अपनी फल सब्जियां स्टोर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि रेफ्रिजरेटर है वो किचन की खूबसूरती में भी काफी ज्यादा आई थिंक ऐड करते हैं, और हायर के जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं दे लुक नाइस आल्सो। जी बिल्कुल। अब अगर रेफ्रिजरेटर को पर्टिकुलर हम स्टडी करें तो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हाउस होल्ड की फैमिली का पार्ट बन चुकी है। बिल्कुल, अब मैं वही कह रहा था अभी कि उसके बगैर अब जिंदगी अब आप तसव्वुर कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग तो किचन में रखते हैं, बहुत सारे लोग हमारी ऑडियंस जो है उसको ड्राइंग रूम्स में, टीवी लाउंजेस में, बेस्ड ऑन देयर हाउस स्ट्रक्चर उसमें रखती। अब इसलिए खूबसूरती बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है, और इसके साथ खूबसूरती के साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ये मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा, ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, लाइक दे इंट्रोड्यूस दिस रेफ्रिजरेटर लाइक देयर फैमिली मेम्बर्स। और हमारा रेफ्रिजरेटर जो हमने IF सीरीज का लॉन्च किया डिजिटल इन्वर्टर प्लस, इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आप रेफ्रिजरेटर खोलते हैं तो बाकी कन्वेंशनल रेफ्रिजरेटर्स में फ्रीज़र में लाइट नहीं आती, इसके फ्रीज़र के अंदर भी लाइट है। तो जो लेट नाइट स्नैक्स वाली कुछ चोरियाँ घरों में होती हैं, आप रात को उठते हैं और लाइट ऑन करते हैं पूरा घर उठ जाता है, तो आप चुपके से जाएं हमारा फ्रीजर पोर्शन खोलें और जो आपने आइसक्रीम छुपा के रखी है आपके घर वालों ने वो आप रात को इजीली खा सकते हैं लाइट ऑन किए बगैर। एक्सेलेंट। और फाइनली किसी को पता भी नहीं चलेगा। जब हम मजीद इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो इसके अंदर हम TABT एक स्टेरिलाइजेशन टेक्नोलॉजी, यस, एंटीबैक्टीरियल टेक्नोलॉजी है जो 99.9% तक बैक्टीरिया एलिमिनेट करती है रेफ पोर्शन के अंदर। एक्सेलेंट। फिर इसके अंदर हम स्लाइडिंग शेल्फ हमने दी है जो एक बेसिकली हाई एंड रेफ्रिजरेटर का एक पार्ट है जो हमने लोकली पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर्ड रेफ्रिजरेटर में दे दी। फिर ख़वातीन के लिए इसमें सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि इसमें एक हमने स्पेशल बॉक्स दिया जिसको हम मेडिकल और ब्यूटी बॉक्स कहते हैं। इसमें आप अपनी मेडिसिन भी रख सकते हैं और जो हाई एंड वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं ख़वातीन की, मेकअप की स्पेशली, वो भी रखी जा सकती है। स्पेशियस भी है जी, स्पेशियस भी है और इकोनॉमिकल भी है और कस्टमर्स की तमाम नीड्स को वो सेटिस्फाई। अच्छा काशिफ, अगर मैं आपसे इन नटशेल पूछूं कि ये हायर का जो रेफ्रिजरेटर है ये बाहर मौजूद बाकी रेफ्रिजरेटर से बेहतर कैसे है, अगर आपको एक जुमले में बताना हो तो आप कैसे बताएं? देखें, हमारी जो एक बेसिक लॉजिक होती है किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने की, दैट इज़ क्वालिटी। क्वालिटी हम अपने तमाम प्रोडक्ट्स के पीछे इंश्योर करते हैं कि दे शुड नॉट ओनली सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर बट दे शुड बी सो मच क्वालिटी ओरिएंटेड कि वो लंबा अरसा तक चले। हमारे इस रेफ्रिजरेटर की सेम इसी चीज़ को इंश्योर करते हुए हमारी वारंटी कंप्रेसर की 10 साल है। इसमें हमारे जो PCB और डिजिटल कंट्रोल पैनल है उसकी वारंटी 3 साल है, बाकी जो नॉर्मली पार्ट्स होते हैं वो 1 साल बाकी कंपनीज ऑफर करेंगी। और इस रेफ्रिजरेटर के अंदर जो सबसे मेन कोर फीचर हमने लॉन्च किया 2022 में, दैट इज़ ACS टेक्नोलॉजी। जो अभी आपने शुरू में बात की कि आप जाते हैं बाज़ार में, बहुत सारा खाना डेली आपके पास टाइम नहीं, आप शॉपिंग के लिए जाएँ, फल सब्ज़ियाँ लेके आएँ, तो आप ले आते हैं वीकली, नॉर्मली ग्रॉसरी कर रहे होते हैं लोग, तो इसके जो वेजिटेबल क्रिस्पर बॉक्स है ACS टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली नेचर से इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी है। हमने देखा कि आप जब जाते हैं फल सब्जियों वालों के पास तो पानी का शावर करते हैं, छिड़काव करते हैं, और वहाँ पे बड़ी फ्रेश लुक होती है फल सब्जियों की, घर लाते हैं दूसरे दिन मुरझा जाती है। बिल्कुल। अब होता क्या है कि आपका रेफ्रिजरेटर इक्विप नहीं है उनको वो फ्रेशनेस देने के लिए जो वहाँ पे उसको मिल रही है, जो नेचर से एक्चुअली मिल रही है इन फल सब्जियों,
तो हमने उस टेक्नोलॉजी को स्टडी किया और उसको ट्रांसलेट किया, डेवलप किया R&D के थ्रू और अपने रेफ्रिजरेटर में बिल्ट इन कर दिया। अब हमारा जो ACS फीचर है दैट इंश्योर्स के जो टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी है हमारे वेजिटेबल बॉक्स में वो मोर देन 90% तक इंश्योर है और उसकी वजह से जो फल सब्जियों की लाइफ है वो दूसरे रेफ्रिजरेटर के निस्बत 2 गुना तक लंबे अरसे तक आप उनको प्रिजर्व कर सकते। अच्छा मुझे एक और चीज़ काशिफ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है हमारी ऑडियंस के लिए, इसकी आफ्टर सेल सर्विस क्या होती है, उसके लिए कितना फैसिलिटेट करते हैं और इसकी कितनी वारंटी है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में अगर आप एक पेंसिल भी लेने जाएं तो पूछेंगे क्या इसकी वारंटी है। देखें वारंटी हर कस्टमर का राइट, चाहे वो पाकिस्तानी है या किसी आप दूसरे मुल्क में चले जाएं, हर जगह वारंटी और गारंटी इज मस्ट। इसलिए हम अपनी प्रोडक्ट्स की सबसे लॉन्ग पीरियड वारंटी देते हैं, बिकॉज व्हाट आई टोल्ड यू अर्लियर कि वी बिलीव इन क्वालिटी। जब हमें यकीन है हमारी प्रोडक्ट के ऊपर तो हम फिर कस्टमर को भी वारी फ्री कर देते। बिल्कुल। तो हमारे जो रेफ्रिजरेटर है उसकी वारंटी 10 साल है कंप्रेसर की, जो इसमें डिजिटल और PCB है उसकी 3 साल वारंटी है, बाकी पार्ट्स की 1 साल है। और जो हमारी सर्विस है दैट इज़ सो बेस्ट कि वी बिलीव ऑन 0-1-2, मतलब कोई भी जो कंप्लेंट लॉन्च होगी हम 0 टाइम में उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। जब कस्टमर इमिजिएटली हमें फ़ोन करता है तो वो इमिजिएटली गिव देम द रिस्पॉन्स और 1 दिन में ही हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि कोई भी कंप्लेंट हमारी 1 दिन के बाद पेंडिंग ना रहे। और फाइनली पाकिस्तान में हायर की जो आफ्टर सेल सर्विसेज हैं दैट इज़ ऑल्सो द बेस्ट वन with comparison to the other company. Excellent, Kashif. It was lovely having you on the show. बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। और खवातीन और औरत, अगर अभी तक आपने हायर का रेफ्रिजरेटर नहीं लिया तो आज मार्केट में जाएं, रिप्लेस करें पुराने रेफ्रिजरेटर, गेट हायर इन्वर्टर, बिजली की बचत भी है, सब्जियां भी फ्रेश रहेंगी और ऑफकोर्स खूबसूरती भी है, क्वालिटी भी है और आपके घर में एक नया अच्छा पायदार फैमिली मेम्बर ऐड हो जाएगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवाती रोजाद, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और ये जश्न, ये म्यूजिक किसके लिए बज सकता है, मेरे लिए तो कभी बजा नहीं, ये जश्न क्यों हो रहा है आज, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे साथ मौजूद है आपके बहुत फेवरेट, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हल इनके पास होता है, हमारे साथ है डॉक्टर खुर्रम मुशीर। बरगद का दरख्त है जिसके नीचे एक छोटे दरख्त नहीं हो सकता। मगर आज इस पर आपके प्रोग्राम जो इतना हसीन तरीन बारौनक है, आज इसको 4 चांद लगाएंगे और आज बड़ी सारी गलतफहमियां जो लोग डरते हैं आज मैं बड़ी खतरनाक चीजें बड़े मोहब्बत से दिखाऊंगा। क्या बताएं, क्या करके व्हाइटनिंग इंजेक्शन जो लोग डरते हैं आज उसको डिटेल से बताएंगे क्या है। आप कहेंगे तो मैं आपको लगा दूंगा लाइव। डॉक्टर साहब मुझे जरूरत तो नहीं है, देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, एक मिनट, नहीं नहीं आपने ये डॉक्टर साहब क्यों कहा, आप पूरा जुमला आपने नहीं सुनने दिया, आपको लग रहा है मुझे जरूरत, आपने कहा, मैंने कहा कि आप कहें तो आपको लगा दूं, नहीं तो मैं अपने आपके खुद लगा लूं। अच्छा जी देखिए मेरे ख्याल से अगर आप खुद लगाएंगे तो आपको पता आधी अवाम अपने आपको खुद लगाना शुरू करेगी। ओ ये आपने बड़ा आपको पता है ना, एक तो पहली बात ये कि बड़ी जबरदस्त चीज है, कोई खतरे की बात नहीं है, मगर 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 कल भी एक वीडियो, एक खातून बैठ गई मेरी पूरी वीडियो निकाली, आपने मना किया है, मैंने उनका कहा था देखिए वाइटिंग इंजेक्शन आपके हिसाब से डॉक्टर, अच्छा पता है असफर मैं बड़ा क्लियर कर दूं, डॉक्टर मेरे ख्याल में असफर के भी ख्याल में MBBS होना मस्ट है, ठीक है, फिर स्पेशलाइजेशन होती है, बाकी कोई उर्दू में PhD है, गालिब की शायरी में PhD है या कोई और मतलब टेलीपैथी है या पता नहीं ख्याली पैथी है या कुछ भी पैथी है वो नहीं लगा सकता, डॉक्टर मींस MBBS मस्ट है मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब वो मेरी इल्तजा है लोगों पर, असफर मैं रोजाना इसको झेलता हूँ, कल एक साहब आए गुजरावाला से मेरी लाइव कॉल थी, बड़ा अच्छा लड़का, वो मुझसे कह रहे कि जी मैं, अच्छा वो अपना उसका डैंड्रफ का था बड़ा से, अच्छा कह रहे मेरी बेगम भी आपसे बात करना चाहती है, जरा चाहती हैं कि थोड़ी आंखें फ्लफी हो रही है ना, बैग्स हैं और थोड़ा सा वो स्लिमिंग भी चाहती हैं, मगर आप तो डर्माटोलॉजिस्ट हैं। मैंने कहा जी
तो मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट ऐसा होता है ना कि आपने थोड़ा मेकअप वेकअप सीखा होगा, थोड़ा आपने कुछ 6 महीने का कोर्स किया होगा. मैंने कहा देखिए साहब, पहले MBBS होता है, वो मस्ट है, उसमें आपके दिमाग से लेके और आपके जो टोनेल तक पढ़ाते हैं, जिगर, फेफड़ा, तिल्ली, गुर्दा, मसाले, हड्डी, सारी चीजें आप. अच्छा, जो हम खा रहे लगा रहे वो छिलके भी नहीं लगा रहे, दरख्त के पॉलिश नहीं कर रहे, वो आपके अंदर जा रहे हैं. ठीक है, पहली बात आप प्लीज कंफर्म कर लें, फिर आप आके कहते हैं MBBS होना तो मस्ट है, 98% मसाइल तो वहीं हल हो जाएंगे. डॉक्टर साहब, आजकल तो देखिए वो डॉक्टर साहब मतलब इतनी ज्यादा साइंस आ गई है, मतलब किसी ने अगर PhD किया हो तो वो भी अपना आगे डॉक्टर लगाते हैं. भाई PhD डॉक्टर है डॉक्टर साहब, जैसे ना एस्थेटिशियंस होते हैं, देखिए वो एक डिफरेंट चीज है. देखिए वो एस्थेटिक्स के जो क्या कहते हैं प्रैक्टिशनर्स हैं, जो एस्थेटिक्स करते हैं, जिसमें बोटॉक्स लगाते हैं, वो करते हैं, डॉक्टर साहब क्या वो आपके ख्याल से आर दे सर्टिफाइड टू डू इट? देखिए अगर आपने MBBS किया है जी, फिर स्पेशलाइजेशन किया, तो उसका पार्ट है, उसकी शाख है. भाई आप कहेंगे जी मैंने एक बड़ा जबरदस्त कारपेट लिया है, बड़ा जबरदस्त कारपेट लिया है, बहुत जबरदस्त किस्म की डेकोरेशन पीसेस लिए हैं, ठीक है, अब आपके लिए पहले उसके कमरा होना तो लाजमी, सड़क पे तो नहीं रखेंगे ना, है ना. तो इसी तरह आप अगर एस्थेटिक्स में जाएंगे, एस्थेटिक्स मतलब उर्दू में लोगों को बता दूं, बड़ा हम लोग बहुत जंक जैसे लोग समझते हैं, जंक फूड अंग्रेजी का वर्ड है, जंक का मतलब होता है कबाड़ खाना, ठीक है, जंक मतलब कबाड़, जंक स्टोर. तो अच्छा, इसी तरह एस्थेटिक्स का मतलब जमालियात, खूबसूरती. अब वो जमालियात आपके शायरी में भी हो सकती है, कपड़ों में भी हो सकती है, खाने में भी हो सकती है, डांस में भी हो सकती है, और आपकी डर्मेटोलॉजी आपकी बॉडी में. मगर उसके लिए पहले साइंस बहुत जरूरी है. जमालियात ये नहीं कि आपको, मुझे शायरी का शौक था, मैंने सोचा अब आपके चेहरे पे भी पेंटिंग कर दूं, जी वो नहीं हो सकता. अच्छा खवातीनों हजरात, इससे पहले कि हम अपना शो आगे बढ़े, आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई भी स्किन, हेयर, नेल से मुताल्लिक कोई भी आपको प्रॉब्लम है जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही, आप डॉक्टर खुर्रम से लाइव अपना इलाज करा सकते हैं. और डॉक्टर खुर्रम हमारे जितने भी कराची के क्लाइंट्स हैं और हमारे द मॉर्निंग पाकिस्तान के, नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं कुछ और कहना, अच्छा, तो मैं कहता जितने भी द मॉर्निंग स्टार के व्यूअर्स हैं कराची में, आज उनको डॉक्टर साहब 50% ऑफ दे रहे हैं अपने क्लिनिक. 100% मैं आज आपके लिए, आप टोटल फ्री. अब मैं आज आपको 2.5 लाख का पैकेज मैं बता रहा हूँ, और मैं आपके प्रोग्राम में आज कोई कॉल करे मैं उसको पूरा एक प्रोग्राम देंगे, 2.5 लाख का पूरा, उसके 12 इंजेक्शन लगेंगे, क्रीम होगी, मैं आपको पूरा बताऊंगा. अच्छा, पूरा गोरे रंग करने का पूरा गोरे रंग का. और देखिए गोरे रंग का मतलब ये कि हम अंग्रेज नहीं हो जाएंगे, जर्मन नहीं हो जाएंगे, फ्रेंच नहीं हो जाएंगे. अब बहुत देर हो गई है, माँ या बाप में से एक होना चाहिए, जर्मनी या फ्रेंच अब नहीं हो सकता, वो अगले जन्म में होगा, ठीक है. मगर यहाँ पे आप खूबसूरत पाकिस्तानी जो भी आपका रंग है वो खिला खिला निखरा निखरा जबरदस्त खवातीन. तो आप खूबसूरती आपसे बस चंद मिनट दूर है. लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग शो. ब्रेक के बाद डॉक्टर खुर्रम एक बहुत बड़ा इंकशाफ करने वाले हैं. मिलते हैं आपसे ब्रेक. खवातीनों हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद है. और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको क्या कहा था कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ डॉक्टर खुर्रम आज करने वाले हैं. आप किस तरह खूबसूरत दिख सकते हैं ये आप बस थोड़ी सी देर में जानेंगे, और आज शाम तक एक नया ग्लो होगा आपके चेहरे पर. अगर आप कराची में रहते हो तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आज डॉक्टर खुर्रम 100% फ्री कंसल्टेशन दे रहे हैं, बट ओनली टू द व्यूअर्स ऑफ द मॉर्निंग स्टार. आपने द मॉर्निंग स्टार का नाम लेना है, TV1 का नाम लेना है, और आज की शाम आपकी डॉक्टर खुर्रम के नाम. बिल्कुल, बहुत अच्छा, बड़ी खुशी की बात है. और मैं एक छोटी सी चीज और कहना चाहता हूँ, मिस नौरीन हमारी कॉलर भी हैं, अब मिस नौरीन की कुछ चीज़ें मेरे पास रखी हैं. अब होता यह है कि टीवी पे लाना कुछ चीज़ें, मिस नौरीन आप कराची में हैं तो आप आज या तो शहीद मिलत रोड पे आ जाएं, ठीक है, या फिर आप जमजमा पे आ सकती हैं कल, ठीक है, और एक नंबर लिख लें 0333-9128-6 प्रकाश को फोन करें और बताएं मैं T1 की विनर हूं. तमाम चीजें आपकी रखी हैं. अच्छा, आज मैं एक असर आपके तवसुत से चैनल के, मैं एक पूरा गिफ्ट अनाउंस करना चाह रहा हूं. व्हाइटनिंग इंजेक्शन का कोर्स है और मैं लाइव लगाऊंगा. भाई देखिए पहले मैं बताऊं, ये बड़ी खतरे की कोई चीज नहीं है. ग्लूटाथायोन ना डॉक्टर साहब इसके अंदर? बिल्कुल, इसके अंदर है ग्लूटाथायोन 70%, ठीक है, 30% है इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, उसी की एक फॉर्म है विटामिन सी इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, डिफ्यूज इन डिस्टिल्ड वाटर, प्लस
आपके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, जैसे बालों में आप लगाते हैं कैरेटिन, स्किन के लिए होता है कोलेजन, तो 30% में है कोलेजन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड डिफ्यूज इन डिस्टिल वाटर, और 70% है ग्लूटाथायोन। ग्लूटाथायोन किस चीज़ में होता है जी? कलेजी में, पालक में, तरबूज में, नाशपाती में, एवोकाडो में, आप डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं। ये है जी। जी डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें हैं जो कि बहुत ही गंभीर सवाल है। हाँ, बहुत। सबसे इम्पोर्टेंट ये डॉक्टर साहब कि ये एक इंजेक्शन से तो कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम कितने कम अज कम 10 लगवाने पड़ते हैं? देखिए सर, कम अज कम का कोर्स होता है 12 का, मिनिमम 12 होता है, उसके बाद आप उसे मेंटेन करते हैं। अच्छा, और 12 कितने गैप से लगाते हैं? अगर आप करीबी हैं, आप कहीं जा रहे हैं, अगर आप once a week लगा लें हर हफ्ते का, यानी आपने कोई अपना हफ्ते का एक दिन बांध लिया, पीर का दिन है, जैसे आज बुध का दिन है, बुध के बुध आप, और अगर एक आध दिन आगे पीछे स्किप हो जाए तो कोई गजब नहीं हो जाएगा। सेकंड चीज ये, कोई लोग लंदन से आते हैं, कोई लोग ब्रिटेन से आते हैं, बर्तानिया से आते हैं, हॉलैंड से आते हैं, 10 दिन के लिए हैं, तो एवरी डे भी आप लगा सकते हैं उसके साथ। अच्छा देखिए, पहली बात, ये डोज मॉनिटर होती है, आपको ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है? सेकंड चीज मैंने बताया है, कल खातून ने वीडियो निकाली, गूगल से आपने खरीदा डिब्बे, ठीक है, खुद ही पैक किया, मासी से आपने कभी कहीं भी लगवा लिया, या फिर आप गई किसी, आपने चंपी कराई अपनी, फेशियल कराया वहीं पे, उनको दे दिया कि जी मुझे लगा दो, ऐसे नहीं होता है। फिर देखिए, अगर अपने हिसाब से मत खेले, खुदा के लिए हर चीज परफेक्ट है उसका तरीका। जिस तरह कहते ना कुछ चीजों के नीचे एक टैगलाइन होती है, डोंट ट्राई दिस एट होम, बिल्कुल, ये अपने घर पे ट्राई नहीं करना, आपको डॉक्टर साहब के पास जाना है, बिल्कुल डॉक्टर से करें। और दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, आप देखिए एक डोज मॉनिटर होती है, ठीक है? अच्छा, और कोई रिजल्ट, मैंने कहा कि जी, अब कल मैंने एक बात हुई तो मैंने कहा कि जी आप कोई अंग्रेज नहीं बनेंगे, पाकिस्तानी रहेंगे, मगर पाकिस्तान में भी बड़ी वेरिएशन है ना, तो आपकी जो खानदान में आपकी जीनियात है, जो जीन्स है, उसी के अंदर आप घूमेंगे, ठीक है? और ये बड़ा सेफ है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एंटी कैंसर है। एंटी का मतलब होता है हमारी जबान में, हाँ लोग, मैंने एंटी कैंसर कहता हूँ, लोग कहते हैं आपने कैंसर कहा था, अरे भाई एंटी का मतलब होता है उससे कैंसर नहीं, ऑपोजिट, खत्म करने वाली, ठीक है? हाँ। क्योंकि डेफिनेटली हमारा कसूर नहीं है, हाँ। जबान नहीं हमारी, तो एंटी कैंसर से आप, और इसके अलावा इसके 5 फायदे और हैं, हाँ। एक तो आपकी एजिंग को वो स्लो डाउन करता है, थर्ड आप पट्ठों का, जोड़ों को, आपको वो दर्द खत्म करता है, थर्ड आपकी इंपॉर्टेंट जो आपके तमाम सिस्टम्स होता है, आपके जिगर है, फेफड़े हैं, किडनी, उनको रेगुलेट करता है। डॉक्टर साहब, कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस भी होते हैं ना, खवातीन ये कहती हैं कि ये मर्दों को नहीं लगवाना चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और बड़ा पता नहीं लोग ऐसी बातें, एक तो मर्दों का औरतों का ये तो गिज़ा है, ठीक है? सेकंड चीज़ लोग कहते हैं, अच्छा मुझे अक्सर आप खवातीन आने लगी हैं, अम्माएँ आती हैं, अच्छा जी बच्ची को लगाएंगे तो शादी में मसला तो नहीं? तो देखिए, ब्यूटी सबसे पहले तो बच्चियों को ही इफेक्ट होता है ना, फिर कोई मतलब 60-70 में खातून है, उनको भी शौक हो सकता है, मगर वो एक बड़ा सेकेंडरी हो जाएगा, ठीक है? इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों में हम लोग एहतियात करते हैं दौरान प्रेगनेंसी, ठीक है, थोड़ा एहतियात उसमें कोई लगा सकते हैं, मगर फिर भी एक बेहतर है कि ना करें, बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी इतने बड़े प्रोसेस से गुजर रही है, उसको मजीद आप और कॉम्प्लिकेशन में ना डालें, इजी रखें। और एक होता है, अक्सर लोग आते हैं आजकल हमारे यहाँ, क्योंकि प्रेशराइज बहुत लोग करते हैं ना, 8 साल की बच्ची को पकड़ के अब्बा ले आते हैं, अम्मा के अभी से इसके लगा दें, गोरी हो जाए, मतलब लोग इतना, हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब अलमिया है, ये अलमिया है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, एक सवाल जो कि मेरे अपने दिल में है, वो ये, डॉक्टर साहब कितने इंजेक्शन के बाद रिजल्ट आता है? देखिए 4-5 के अंदर ही आना शुरू हो जाता है, ठीक है, मतलब एक तकरीबन एक माह बाद, एक माह बाद। अच्छा सेकंड ये, इसके साथ आपकी गिजा क्या है, खाना पीना नॉर्मल है, दूध पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, आराम, तंबाकू नोशी नहीं है, प्रॉपर नींद लेते हैं, शीशा, वेप ये सब नहीं कर रहे हैं, वर्जिश करते हैं, दौराने खून कैसा है, थर्ड चीज आपका हाजमा सही है, चौथी चीज कि आपका नींद प्रॉपर है, और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपकी जीन। देखिए ये के तसव्वुर करें कि जी आपने किसी को वो आजकल वीडियोस देख ली, मैं वैसा हो जाऊंगी, तो वो नहीं हो सकते, आप अपनी ही जो आपका एक कैपेसिटी अच्छा, है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत डॉक्टर साहब, एक जो काम की बात है जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि गोरा रंग करने के साथ साथ स्किन की क्वालिटी बहुत बेहतर करता है, बहुत क्वालिटी बेहतर होती है आपकी, बहुत ज्यादा क्वालिटी आती है स्किन के अंदर। राजनपुर पंजाब से मरियम की कॉल है, उनसे बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मरियम। क्या कहना चाहेंगी आप जी? मेरा नाम मरियम हनीफ है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से बात कर रही हूँ। तो ये डॉक्टर ने तो आज ऑफर दिया है कि भाई वो वाइटनिंग वाला जो है दे रहे हैं फ्री। जी जी,
फ्री ट्रीटमेंट देंगे वो। उसके लिए राजनपुर से आपको कराची आना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, 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 ये बिल्कुल भाई असर आप का सफर है। अच्छा मेरी बात तो सुन लें। अच्छा देखिए इंजेक्शन तो इंशाल्लाह मैं राजनपुर आया या आप कराची आई तो हमारी मुलाकात होगी, मैं खुद लगाऊंगा। मगर आज आपको एक नंबर दे रहा हूँ तो उस पर अभी कॉल करें प्रकाश को, कहें आपको विटामिन, जो मैं विटामिन की गोलियां मैं भी खा के आपको खुद दिखाऊंगा। और हमारे मसला है जी, मेरा अपना मसला है, मेरी एज 40 रनिंग है तो मेरे रिंकल्स हो रही है ना आंखों के पास, रिंकल्स हो रहे हैं, कलर भी डल हो रहा है और मुझे खुश्की है मेरे, तो खुश्की अगर है। आप मुझे कोई क्रीम अपनी भेज दें तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बकरी की, मैं आपको क्रीम बना के दिखाऊंगा, ये पूरा सेट मैं आपको भेजूंगा। नंबर आप लिखिए, आपका नाम है मिस मरियम फ्रॉम राजनपुर, आप एक नंबर लिखिए 0333 233 0333 1 3 3 2 3 3 9 1 2 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट जल्दी रेलगाड़ी भगा रहे हैं वो, देखें वो मरियम अभी कागज पेंसिल पकड़ रही है, मेरा वीडियो कर रहे हैं। मरियम आप, मरियम जो फोन नंबर है वो आपको भी हम कंट्रोल रूम से लिखवा रहे हैं, 0333 बोल दो 0333 233 0 3 3 2 3 3 9 1 2 इंजेक्शन लगाऊंगा लाइव हमारे मॉडल को, ठीक है, और मैं उनको इंट्रावीनस नहीं लगाऊंगा यानी नसों में नहीं लगाऊंगा, ठीक है, लगाऊंगा। फर्क क्या दोनों? देखिए बारिश हो रही है हल्की हल्की, आपकी हरियाली हो रही है, जो पानी आ रहा है गार्डन में जज्ब हो रहा है, एक सैलाब आया तो आपका गार्डन तबाह हो जाएगा। वीनस में क्या होता है, इंट्रोवीनस में क्या होता है कि एकदम से बॉडी में जाता है, ठीक है, किसी का चल जाता है, किसी को ड्राउजी हो जाते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है, चक्कर आते हैं, ये 8 घंटे में इतनी सी डोज जाएगी, तो ये बड़ा सेफ है और बड़ा अच्छा पुर, मतलब आराम आराम से आपको फिलिंग करेगा तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। और देखिए साहब ने क्या करना है, एक पहले मैं हमारे मॉडल को दूंगा, मैं खुद भी असर, आप बल्कि मैं चाहता हूँ आप भी खाएं। जी जी, आपको पानी के साथ, क्योंकि आप जरा बड़े कॉन्शियस है ना, हम लोग दूध के साथ, ठीक है जी। अच्छा जी देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हल्दी, एक छोटी चीज मुझे बताना पड़ती है क्योंकि बड़ा लोग कहते हैं हल्दी गर्म है, हल्दी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में ही आपको खानों में मिलती है, यहाँ कराची में आज तक कभी बर्फ नहीं गिरी, ठीक है, और ढाका में नहीं गिरी, दिल्ली में नहीं गिरी, तो ये लंदन के खानों में आपको नहीं मिलेगा, हॉलैंड के खानों में नहीं मिलेगी, ये सब कॉन्टिनेंटल चीज़ है। ये एंटीबायोटिक भी है बड़ी ताकत की, ये देखिए चुटकी हल्दी, चुटकी मतलब बिल्कुल चुटकी, ठीक है, दूध हल्दी, ये देखिए दूध हल्दी, ठीक है, और ये असर आपके लिए, ठीक है। अब हम तीनों साथ खाएंगे, अब जो मैं आपको एक विटामिन दे रहा हूँ ये पूरी बॉडी के लिए है, इसके अंदर क्या है, तमाम अज्जा तो है मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है फ्रेंच जी मैरीटाइम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको मिक्स कर दें, बिल्कुल मिक्स कर दें, तीनों को कर दें, अब ये लीजिए आप जी। पानी के साथ आप खाएं, ठीक है सुनील, हम पहले मॉडल, मॉडल हमारे सुनील है जी, अच्छा हमारे साथ सुनील मौजूद है, सुनील का प्लीज क्लोज अप बनाएं, और सुनील की हो गई और अब मेरी, अब तीनों रुक जाए, अरे भाई रुक जाए ना, मजा आता है एक साथ, सुनील आप ले, ठीक है, और ये देखिए विटामिन है, ठीक है, इसके अंदर फ्रेंच मेरिका में एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर तमाम विटामिन, खाते रहेंगे आपका रंग खिलेगा बतदरीज, रातों रात कुछ नहीं होता। चलिए डॉक्टर साहब, अच्छा जी 1 2 3 बिस्मिल्लाह रहमान रहीम गो, इंशाल्लाह, और ये मैंने विटामिन अगले हफ्ते में, डॉक्टर साहब इतने बुरा तो टेस्ट नहीं है इसका, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बड़ा एनर्जेटिक है, और इंशाल्लाह देखिए कल असफर आपको ज्वाइन करेंगे, ठीक है इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह मैं अगले हफ्ते आऊंगा, सुनील आपके साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, ठीक है, हमने तीनों ने खाई, ठीक है। डॉक्टर साहब अभी आप कुछ बना रहे हैं? नहीं पहले मैं सुनील के इंजेक्शन लगा रहे हैं। अच्छा खवातीन और हज़रात हमारे साथ सुनील मौजूद है, और आप सुनील की इस वक्त स्किन कंडीशन देख रहे हैं, ये हम आपको अपना एक पूरा प्रोसेस दिखाएंगे, आज की डेट से लेके अगले सुनील के 12 ट्रिप्स तक हम दिखाएंगे कि किस तरह इनकी स्किन की क्वालिटी और इनका कम्प्लेक्शन चेंज डॉक्टर खुर्रम करते हैं, और इसको डॉक्टर साहब इनको इंट्रा मस्कुलर मसल में लगा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल सुनील बिल्कुल हाथ ढीला छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, हाथ आराम आराम से ना बिल्कुल, और पंप करें,
ठीक है, आराम से बिल्कुल ढीला टेलीविजन देखें, असफर साहब का कोट देखें, है ना, ठीक है जी। अच्छा जी, और ये देखिए बड़े थोड़ा सा डेफिनेट आपकी मसल्स ने बिल्कुल आराम से, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ग्लूटाथायोन, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड डिफ्यूज्ड इन डिस्टिल वाटर, साथ में क्या है कि आपका है ये कोलेजन। बहादुर है सुनील, थोड़ा सा पेन होता है मगर माशाल्लाह बहुत बहादुर है। देखिए ये आपके सामने लगा, वेरी सेफ, बहुत अच्छा है, घर पे नहीं करना है, मोहल्ले में नहीं करना है, आंटी चाची मासी ब्यूटी पार्लर, सिर्फ डॉक्टर वो एमबीबीएस तो पहले चेक करें, एमबीबीएस हो फिर स्पेशलाइजेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, ये बड़ा जान का मामला है भाई, ठीक है, ये मैंने लगाया, ठीक है, पूरा उनके आराम से गया, इसको डिस्पोज ऑफ कर, नीडल आपने डिस्ट्रॉय की, ठीक है, और ये उनके ये आराम से चला गया। अब मैं उनको एक क्रीम, अब विटामिन रोजाना खाएंगे सुनील, मैं आपको दे रहा हूँ, दो टाइम खाएं खत्म, और एक क्रीम बना के दे रहे हैं, क्रीम बना के दे रहा हूँ, ऑप्टन दूंगा उस पर, आप देखें क्या। एक सिर्फ खबर आजाद, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई बजे का डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद है, कुछ भी जानना चाहते हैं कॉल कीजिए, लेट्स टेक अ ब्रेक, वी विल सी यू ऑन द अदर साइड। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Morning Star. हम आपको एक बार फिर अपने शो में खुश आमदेद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ मौजूद हैं और अभी हमने हमारे जो मॉडल हैं सुनील, उनको ग्लूटाथायोन का डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर साहब, अब इस इंजेक्शन के बाद इनको क्या क्या फायदे होंगे? जी, अब देखें उनकी स्किन क्वालिटी थोड़ा सा डेफिनेटली गर्मी है, ऑयली है, थोड़ा केयर नहीं करते सुनील, एक्नी भी है थोड़ा सा, एक्नी भी है, ठीक है ना, सारी चीज़ें। अच्छा, दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सुनील की, हमने इंजेक्शन लगाया, लाए सुनील बिल्कुल फिट फाट बैठे हैं, थोड़ा उससे एनर्जी भी आती है, थोड़ा हो सकता है ड्राउजी हो, कोई बात नहीं, पानी पी लें, थोड़ा बैठ जाएं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक क्रीम का कॉम्बिनेशन बना के दे रहा हूँ सुनील, आपको डेली लगाना है, सुबह दोपहर लगा के अच्छा बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर सनस्क्रीन एडेड है, दोपहर में अम्मी के साथ किचन में कुकिंग करना हो वो भी जा सकते हैं, आपकी शुआओं से कोई इफेक्ट, और रात को पूरा चेहरा, चेहरा ये है चेहरा, ठीक है, चेहरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नेप ऑफ द नेक, गुद्दी, कान और ये जो हाथ है, ठीक है, हाथ, और कोशिश करें कि जो क्रीम लगाएं यहाँ तक लगाएं, कान पे भी लगाएंगी और नेप ऑफ द नेक गुद्दी, ये जो लोग कह रहे थे काली हो रही थी, तो पूरा एक जाके कॉम्बिनेशन बनेगा सुनील को, मैं अभी क्रीम बना रहा हूँ और वो दूंगा, और मरियम आज आप फोन करेंगी वही कॉम्बिनेशन आपके लिए आएगा, ठीक है, एंटी एजिंग है, एंटी रिंकलिंग है, व्हाइटनिंग, अच्छा व्हाइटनिंग से देखिए प्लीज हम लोग मिसगाइडेड ना, मतलब निखरेगा, निखर जाएंगे, खूबसूरती आएगी, क्लैरिटी आएगी, थोड़ा एक उजलापन आएगा, मतलब व्हाइटनिंग से लोग समझते पता नहीं क्या एक तस्वर है ना, सफेदा वो अच्छा भी तो नहीं लगता ना, ठीक है, जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, डिब्बे में बना के देंगे सुनील को, ये है देखिए मैंने खुद प्रिपेयर किया, इसके अंदर है गोट्स मिल्क क्रीम, इसके अंदर लैक्टिक एसिड और क्रश्ड रेशम, ठीक है, ये देखिए रेशम ओके, ठीक है, सिल्क, बिल्कुल रेशम, बिल्कुल के स्ट्रैंड्स होते हैं थोड़े से ना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बड़ी हर्बल चीजें साथ, अच्छा हर्बल का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर का मतलब है कि वो एक मशीनी मखलूक है, आप यही कहेंगे ना, आप दूध पिए, फ्रूट खाएं, रेशम, ये तमाम नरमी, एस्थेटिक्स तो यही होता है ना, मतलब लोग समझते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब एक मशीनी आदमी, एक रोबोट है। अच्छा, हर्बल का मतलब है कि जी वो बिल्कुल ही इलायची और सागुदाना है, ऐसा नहीं होता है, तमाम चीजों को मिला के, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड क्रीम में ऐड करूंगा जो लेटेस्ट सॉल्ट इन द वर्ल्ड है, ठीक है, अल्फा आर्बिटन, ठीक है, वो क्या करता है, पहले हाइड्रोक्विनोन था, अब अल्फा आर्बिटन है, वो क्या करता है, आपकी स्किन को, डेड स्किन को वो निकालता जाता है। अच्छा, जब आप क्रीम निकालेंगे ना तो थोड़ा सा ये देखिए ये ब्राउन होती जाएगी, जैसे स्टेप काटते हैं तो वो, हाँ ये देखिए पूरी मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूंगा, ये ब्राउनिश है अल्फा आर्बिटन, ठीक है, और जब आप डिब्बे में रखेंगे थोड़ी और ब्राउन हो जाएगी कुछ दिन में, जब ऑक्सीडाइज होते स्टेप काटते हैं तो वो गोल्डन हो जाता है ना, जी ये हो गया, ठीक है। और थर्ड चीज इसके अंदर ऐड करूंगा मैं एलोवेरा और ईरानी गुलाब का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, मास्किन, ठीक है, एलोवेरा, बादाम की खली, दूध, ईरानी, पर्शियन गुलाब, ठीक है, ये देखिए पूरी क्रीम इसके अंदर ऐड की, तीनों को मिक्स किया, ठीक है, और ये मैंने आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त है, एक ये देखिए मिक्सचर। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब मिक्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास सबा की कॉल है कराची से, उनसे बात कर रहे हैं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा,
हेलो, अस्सलाम वालेकुम सबा, प्लीज़ टीवी बंद कर दें, टीवी म्यूट कर दें। हेलो जी, सबा आपको आवाज़ आ रही है? बहुत शुक्रिया। अगर आप कॉल कर रहे हो तो प्लीज़, अगर सिर्फ अपनी टीवी पे आवाज़ सुनने के लिए कॉल कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। थैंक यू। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्रीम तैयार की है और मैं इसको थोड़ा सा लगाऊंगा और उसके बाद मैं एक और चीज़ दे रहा हूँ, उसका तरीका भी बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये देखिए, मैंने ये किया और सेकंड चीज़ जो मैं सुनील के लिए तैयार करूँगा, पहले मैं स्क्रबिंग करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये है चांदनी चंदन उपटन, इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट, पिसे हुए मोती, इसके अंदर है ड्राइड बेला के फूल। ठीक है, और बेसन, चमेली, थोड़ा सा मैं दूध ले लूं, मैं थोड़ा सा। जी जी, डॉक्टर साहब एक मिनट, आप इधर ही रहने में लेके आ। बस आप मुझे जी 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 थोड़ा सा दूध, बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब वहीं मैं आप जी आए, थोड़ा सा ये पानी डाल नहीं वो उस कटोरी में ना, ये दूध ही है जी। जी बस दूध देते हैं ना। अच्छा देखिए, ये लोग परेशान होते हैं कैसे बनाना है। देखिए ये रोज वाटर है, ठीक है, थोड़ा सा रोज वाटर है, एक ठीक है, थोड़ा सा दूध डालूंगा इसमें। जी डॉक्टर साहब थैंक यू, थैंक यू। देखिए ये रोज वाटर है, ठीक है, एक चमचा मैंने डाला दूध, ठीक है, थोड़ा और डाल दिया और इसके अंदर मैं उपटन ऐड करूंगा। ठीक है, ये देखिए उपटन मैंने डाली, ये अच्छा निकल आएगा जरा डिब्बे में। ठीक है, अब ये एक पेस्ट टाइप बन जाएगा, मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको ना। ठीक है, अब ये देखिए पेस्ट टाइप बन गया। अब ये कैसे लगाना है, लोग परेशान। देखिए ये एक उपटन का पेस्ट बना। आपको क्या कर रहे हैं, आप रोज़ाना नहाने के बाद 5 मिनट के लिए आपने पेस्ट बनाया और देखिए ये ना इससे दाने आएंगे ना इससे कोई एलर्जी होगी। ये चांदनी चंदन उपटन कहाँ अवेलेबल है? ये देखिए मैं बिल्कुल आपके लिए खुद तैयार करता हूँ। अच्छा, आप तैयार करते हैं? जी बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। अच्छा ये आपने ये लगाया, ठीक है, थोड़ी देर में ये खुश्क हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे बच्चों के मैल छुड़ाते हैं ना, बड़ा टेंडर लव, मतलब बड़े प्यार से लोग क्या करते हैं जी, रगड़ के गोरे हो जाना है, नहीं छील, नहीं बिल्कुल नहीं, चेहरा बहुत नाजुक, हाँ जितना रगड़ेंगे उतना गोरे होंगे, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, जितना प्यार से आप करेंगे। ये किया आपने और इसके मैं अभी लगा रहने देता हूँ और अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे इसको उतार, ये देखिए थोड़ी देर में ये सूख जाएगा और ये जैसे बच्चों के मेल नहीं उतरता वैसे उतरेगा। ठीक है, ये किया आपने और उसके बाद धो के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, अगले प्रोग्राम में धो के दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये भी लगा हुआ है। ठीक है, और ये क्रीम मैंने तैयार की है, ये मैं थोड़ा सा कॉम्बिनेशन जो है ये सुनील के लगा देता हूँ और सुनील के साथ ये क्रीम जाएगी और विटामिन जाएगा, इस फेस वॉश से मुंह धोएंगे, ठीक है, और विटामिन खाएंगे सुनील। अच्छा मैं आपको क्रीम लगा के, डॉक्टर साहब कितनी देर तक क्रीम लगाए रखनी है इनको? लगी रहेगी इस पर 3-4 घंटे, मतलब लगा के सो जाए तो बेहतर, सो जाएं, किचन में जाएं, ठीक है, आपके सेट पे काम करने आए, बाहर जाएं और लगी रहे वो, और जैसे सनस्क्रीन लगा रहता है, जैसे सनस्क्रीन है, जैसे कि आपका, अच्छा ये पूरी क्रीम आपको एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, ये अच्छी तरह से आप लगा के पूरी क्रीम आपको एब्जॉर्ब हो जाएगी। मैं जरा हटा, क्योंकि डॉक्टर साहब इस तरह की स्किन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा लोगों को होती है। जी। एक तो माशाल्लाह कराची में आप रोड पे निकले कितनी सफाई है, ठीक है, फिर वो फिर डेबरी, मिट्टी, धुआं, पोल्यूशन सारा मिला के तो सारा जो है वो हमारी स्किन को बिल्कुल बर्बाद करता है। फिर सेकेंड चीज, हमारी डाइट सही नहीं है ना, सब्जियां, फल, दालें ये नहीं है, ठीक है, जंक फूड बहुत खाते हैं। और ये देखिए आपने अभी क्रीम एब्जॉर्ब हो जाएगी थोड़ा लगा के और ये पूरे फेस पे लगा के मैं आपके छोड़ दूंगा। जी, टिश्यू ले लेते हैं, इसे मैं एब्जॉर्ब कर दूंगा। डॉक्टर साहब ये आप और लगा सकते हैं, इतनी सारी इसमें बची है ना, ये लाइए बस, अब इसको मैं यूज कर लेंगे, बाद में यूज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, नहीं कहते डॉक्टर साहब आप हाथ वगैरह तो लगा पे लगा, हाँ हाँ हाथ पे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी हाथ पे लगाता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए हाथ पे कहाँ थे और दे देंगे इस पर। जी डॉक्टर साहब, अच्छा देखिए हाथ में लोग कहते हैं ना एक ही हाथ है, देखिए हाथ मतलब पूरा हाथ होना चाहिए। ठीक है, ये नकल ढिठे बड़े इंपॉर्टेंट है और कोनिया तक। ठीक है, ये लिया आपने और पूरे हाथ यहाँ तक लगा के अभी एब्जॉर्ब, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा सा उपटन है तो ये अभी एब्जॉर्ब हो जाएगी थोड़ी देर, वैनिशिंग है ये। जी ठीक है, और ये लिया आपने। और डॉक्टर साहब ये कितनी देर तक लगाए रखनी है? ये लगी रहेगी 3-4 घंटे। 3-4 घंटे तो बेहतर यही है कि आप लगा के इसको सो जाएं। बिल्कुल, और आई थिंक सुबह इसको वॉश आउट कर लें। अभी मैं टिश्यूज को वाइप ऑफ भी कर दूंगा, उसके बाद क्या करना है जब आप मुंह धोएंगे फेस वॉश से करके फिर आप लगाएंगे। अच्छा, पहले मुंह अच्छी तरह धोना है फिर ये क्रीम लगाएं। बिल्कुल, और वंस अ डे उपटन लगाएं। ठीक है, विटामिन खाएं, दूध पिएं, धूप में जाने में कोई पाबंदी नहीं, ये नहीं कि धूप में आप खड़े ही हो जाएंगे, धूप में जाएं, खेलें, मतलब एंजॉयमेंट हो, पसीना आए, ठीक है सर। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खवतीनों जो पते की बात है वो क्या है कि आपको 2.5 लाख का पैकेज डॉक्टर साहब ने फ्री किया है, आप आज ही
तो अगर आपके क्लिनिक जाइए, टीवी वन का रेफरेंस देना जरूरी है। ये वाली ये जो आप जो कह रहे हैं वो क्लिप चलवा, ये हाँ ये आपने क्लिप जरूर चलानी है। अभी खींचने तस्वीर आप और डॉक्टर साहब के पास जाएं। और आज फ्री है सुनील की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम आपको हर हफ्ते दिखाते रहेंगे कि ग्लूटाथायोन से और ये स्किन मास से इनकी स्किन कितनी ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगले बुध फिर आप हमारे इंशाल्लाह साथ होंगे। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा आप मॉर्निंग स्टार देख रहे हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और अभी एक बहुत ही धुआंधार ट्रीटमेंट हमने आपको करके दिखाया अपना चेहरा अपनी स्किन बेहतर करने के लिए। डॉक्टर खुर्रम जब भी आते हैं हमारा फ़ायदा ही करके जाते हैं, ये बात मान लें। लेकिन अब जितनी भी खवातीन हैं जिन्होंने कहा चलो अब सब कुछ हो गया, अब हम किचन का रुख करते हैं, लेकिन सोच रही होंगी कि आज हम पकाएं क्या, तो हम ये चाहते हैं कि हम अपने किचन से भी आपको इंस्पिरेशनल फिगर्स से मिलवाएं, किचन में भी आपको उन लोगों से मिलवाएं जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर चुके हैं और आगे भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत है जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, हमारे किचन से हमें ज्वाइन किया है। सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी ये एक बात की हो रही है जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊँगा, पहले मैं इनका तारुफ़ करा दूँ। हमारे साथ हैं तंजीम आलम साहब जो कि रिटायर्ड PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर हैं। इनका अपना एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है रेड कोल और वहाँ पे वो क्या शानदार खाना बनाते हैं। सलाम तंजीम साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। और आपके साथ हमारे मुल्क की एक मशहूर हमारे मुल्क की एक मशहूर शेफ, मैं भूल जाता हूँ ये क्या क्या करती हैं, शेफ मनीषा भी मौजूद हैं। क्या करें भाई, मल्टी टैलेंटेड लोग हैं हम तो, लोग इसी तरह बोलेंगे ना। ये बात है, लेकिन शेफ मनीषा ने आज बदला ये लिया कि जब मैं हर बार कोई ना कोई खातून लेके किचन में चला जाता हूँ तो शेफ मनीषा ने कहा बेटा आज मैं तुम्हें बताती हूँ, आज तंजीम साहब को मैं लाऊंगी और तुम किचन में नहीं आओगे। मैंने कहा चले खाना अच्छा बन रहा, हमारी तो ये रिक्वायरमेंट होती है। आज नो एंट्री का बोर्ड हमने लगा दिया। नहीं क्यों, मैं आ सकता हूँ, मेरा किचन है, मेरी क्या मतलब आपका मुझे रोकेंगे आप। अच्छा तंजीम सर, आप मुझे बताएं कब से रेड कोल कर रहे हैं और रेड कोल का आइडिया आपको कैसा है? ऐसा है कि 2021 अगस्त से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है, आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम PIA 2020 दिसंबर में, तो कुछ करना तो था। बिल्कुल, तो ये मेरा पैशन है कुकिंग ना, मेरा खाना पकाते हैं, कुकिंग मेरा पैशन रहा है। वेरी नाइस, तो आई थिंक आई एम गुड एट इट। सर आप PIA से कितने अरसे तक आप वाबस्ता रहे? 40 साल। 40 साल, और सर उन 40 सालों में कोई ऐसा वक्त था, वीकेंड्स थे या छुट्टियां थी या लीव थी जिसमें आप खाना पकाते थे? मैं अपने घर में दावत काफ़ी होती है हमारे घर में ना, और मैं मुझे अच्छा लगता है खिलाना पिलाना। अच्छा, वेरी नाइस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के खाने बना लेता हूँ। तंजीम साहब ऐसे भी कुछ शेफ्स होते हैं जिनको खाना पकाना सिर्फ अपने लिए अच्छा लगता है, ना वो दावते करते हैं, ना वो किसी को बुलाते हैं अपने घर में, ना वो जो भी पकाते हैं खुद ही खा लेते हैं। आप तो शायद ऐसे नहीं है। नहीं, मैं तो मुझे अच्छा लगता है खिलाना, लोग खाएं और तारीफ करें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने मुख्तलिफ क्यूजीन ज्वाइन सीखी लर्न की या बाय एक्सपीरियंस? बेगम मेरी ना बड़ी शौकीन थी खाना बनाने की और खिलाने की, तो मेरे पास जब फालतू टाइम होता तो मैं यही करता था। सुने बेगमात के लिए इससे अच्छी और क्या खुशकिस्मती होगी कि शौहर खाना पका रहा है, है ना? हाँ, आप, और आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फिर खावतीन को अगर ये पता चल जाए कि शौहर खाना पका रहे तो फिर वो कभी कभी झूठी तारीफ भी करती थी, हाँ तुम पका लो ना आज। ऐसे ही होता है, दावत ज़ियाफ़त में कहती आप ही पकाए, फिर बच्चे मेरे जो है ना जी वो मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो बड़ा फोर्स करते हैं कि आप पकाएं। लेकिन मैं तंजीम साहब एक बात बताऊं, मैं एक चीज़ मानता हूं कि ज़िंदगी में कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए आपका, आप रिटायर हो जाएं, आपकी कोई भी एज हो, जिस तरह तंजीम साहब और शेफ मुनीसा एक साथ स्कूल जाते हैं और एक साथ आप दोनों ने शायद पढ़ा है। हाँ, आप इन्हीं की क्लास में थी? बिल्कुल नहीं, मैं इनकी सीनियर थी, ये मेरे जूनियर थे, पता है? मैं वहाँ पढ़ाता था, ये पढ़ती थी। ये तो खैर मेरी और शेफ मनीषा की ये नोकझोंक तो आप लोग जानते हैं, सदा से चलती आई है और इंशाल्लाह चलती रहेगी। तंजीम साहब आज हम क्या पका रहे हैं, क्या आज शेफ मनीषा की छुट्टी, शेफ मनीषा की छुट्टी है आज, मतलब आप कुछ ही बना रही? नहीं, मैं बनाऊंगी आपके लिए, क्यों नहीं बनाऊंगी, बट अभी नहीं, पहले आज इनकी रेसिपी सीखें। अच्छा सर बताएं नाम क्या? पनीर रेशमी हांडी। पनीर रेशमी हांडी जी, वाह, प्लीज पराठे मंगा लो प्लीज पहले से। स्पेशलिटी ये है, एक और आइटम है चीज कढ़ाई है। अच्छा, और दो तीन चीज और भी है,
तो लोग वो खाने आते हैं, चुटकी कबाब है इस तरह की चीजें, चुटकी कबाब, हाँ चुटकी कबाब जबरदस्त। तो पनीर रेशमी हांडी आज हम बना रहे हैं, ठीक है जबरदस्त। तनीज साहब आज पनीर रेशमी हांडी बना रहे हैं आप? मैं आज आम पन्ना सिखाऊंगी। आम पन्ना स्वीट डिश है? नहीं ड्रिंक है, ड्रिंक है, ड्रिंक ड्रिंक है, जबरदस्त हीट किलिंग ड्रिंक, गर्मी को मारने वाली। कैरी के साथ हम बनाएंगे और बहुत मजे का बनता है। जबरदस्त खवतीन और हजरात, तो आज आपको किचन में एक नया रंग, एक नई डिश मिलेगी। लेकिन शेफ़नीज़ा मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एक सिग्नेचर स्टाइल है रेसिपी बताने का, वो आप बताइएगा राइट एट द एंड। लेकिन प्लीज तनीज साहब शुरू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा मैं पूछना चाहूँगी चुटकी कबाब क्या है? आपने नाम लिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है, आप साथ साथ रेसिपी भी बनाइए। चुटकी कबाब जो है ना, बेसिकली सीख कबाब का जो मटेरियल, ये मैं तेल डाल रहा हूँ उसमें जो है ना, ची अपना चिकन और बीफ का उसका मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, बीफ और चिकन। एक कोफ्ते की तरह बॉल बनाते हैं, उसके अंदर फिलिंग होती है। ओके। और फिलिंग जो है वो उसको फिर बारबेक्यू करते हैं फॉइल में। सही। तो फिर उसके बाद जो है ना, और उसके बाद वेजी भी होता है। ज़बरदस्त। तो ये तो बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ लग रही है, तो ज़रूर। अच्छा मुझे बताएं आपके रेस्टोरेंट में हमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? आप आएँ फिर देख लीजिएगा कितना मिल जाएगा। अच्छा तो फिर हम चुटकी कबाब खाने ज़रूर आएंगे। बहुत डिफरेंट सी चीज़ लग रही है सुनने में, तो खा के देखेंगे क्या चीज़ है वो। अच्छा जी, आपने ऑयल कितना लिया, तेल कितना लिया? तेल तकरीबन एक चम्मच है। एक चम्मच, इसमें ज़्यादा तेल का जो है ना वो है नहीं, क्योंकि इसमें बटर अपना चीज़ होता है, मिल्क होता है, और अल्लाह भला करे आपका वो होता है क्रीम। तो तेल जस्ट फॉर दी सौते जो है ना, दे दें मुझे प्लीज, तो उसके लिए यूज़ होता है, दैट्स इट। उसके अलावा इसका मेन पर्पज से सौते करना है। और चिकन आपने कितनी ली इसके अंदर? ये 600 ग्राम। 600 ग्राम, ओके। बोनलेस चिकन है? बोनलेस चिकन है। तो ये आप हांडी में ही बनाते हैं? ये हांडी में बनाते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग अक्सर रेस्टोरेंट में इस तरह कह रहे होते हैं कि फ्राइंग पैन में उन्होंने बना देते हैं और हांडी में सर्व करते हैं। नहीं, हम इसको हांडी में बनाते हैं, हांडी में अपना टेस्ट होता है। बिल्कुल। कभी मैंने कोशिश की है कि लोड होता है तो इकट्ठे बना के एक दो दफ़ा, लेकिन वो बात वो फ्लेवर नहीं आता, मतलब जो आप कह रहे हैं वही आप डिलीवर भी करते हैं, वही आप देते भी हैं। इसमें ज़रा टाइम, क्योंकि लोड कभी हो जाता है काफ़ी, 6-8 क्योंकि हांडी में टाइम लगता है पकने में, पकने में टाइम लगता है ना। और ये ज़रा फ्लेम भी कम है तो इस वजह से ज़रा ये। अच्छा रेड कोल आपके रेस्टोरेंट का नाम है, तो रेड कोल क्या सोच के आपने नाम रखा उसका? इनको लाल कोल, इनको तंदूरी साहब आपको बता रहा हूँ, इनको मत बताइएगा आपको। ये अपना रेस्टोरेंट खोलना चाह रही है तो ये सारी ये जो अंदर की बात है ना, ये जान के एकदम से हमें पता चलेगा रेड कोल की जगह व्हाइट कोल भी खुल गया। और वहाँ पनीर रेशमी हांडी की जगह चीज रेशमी हांडी। शेफ मनीषा, ये मैं आप क्या समझ रही हैं? मैं तो आपको जान के, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको, मुझे पता है आपका क्या इरादा क्या है आपका। हाँ वेरी गुड, आप सारे मेरे इरादे, आप मेरे यहाँ दिमाग माते नहीं पड़े होते हैं। मैं तो हूँ माइंड रीडर, माइंड रीडर मतलब आपसे बच के रहना पड़ेगा। अभी मुझे पता तंजीम साहब क्या सोच रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। बता दें। हाँ बताएं। तंजीम साहब ऐसा सोच रहे हैं कि इस बेचारे की तो हिस्से में आएगी नहीं है। हाँ कहाँ जाएगी तंजीम साहब, वहाँ तक पहुँचने ये इंशाल्लाह 4 आदमी खा सकते हैं। अच्छा 4 आदमी खा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्रीम है, चीज़ है, हैवी होता है। तंजीम साहब मुझे एक बात बताएं, देखिए खाना पकाना भी एक फॉर्म ऑफ आर्ट है बेसिकली ना, आप खाना देखिए। कभी ऐसा होता है कि आप जिस तरह नमक कहते हैं हसबे जायका डाल रहे हैं, अब एक चीज़ होती है जो आपको पसंद है, आपको सही लगती है, कह रही इस तरह ये मेरा स्टाइल है बनाने का, लेकिन जो ऑडियंस होती है, जो आपके लोग आ रहे हैं, कुछ तेज़ मसाला खाते हैं कुछ कम, तो आप उसको हल्का भारी करते हैं लोगों के हिसाब से? देखिए मेरा एक स्टैंडर्ड, मैं उसको मेंटेन करता हूं। ये यहां ये मिलेगा कस्टमर जो है ना, क्योंकि मेजॉरिटी को मैं कंसिडर करता हूं, उनका क्या टेस्ट है। अब अगर हर एक दूसरे आदमी अगर मुझे फ्लेवर बताने लगा, आई कैन नॉट मैनेज दैट। कुछ लोग होते हैं जो इतराज़ करते हैं, लेकिन मैं उनको सेटिस्फाई करता हूँ। समझदार लोग आते हैं, हाँ कस्टमर इज ऑलवेज राइट एंड यू हैव टू ट्रीट हिम लाइक अ किंग, ऑफ कोर्स क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। तो उसमें ये होता है कि समझदार लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, समझ जाते हैं। कस्टमर को हमेशा ना बेगम की तरह ट्रीट करें, मैं कहती हूं क्या है, हां हां खुदा का वास्ते मुनीजा, ये प्लीज ये बात मैं चाहता हूं शेफ मुनीजा का सोलो कैमरा बनाए, सोलो बनाए, प्लीज सोलो बनाए, क्योंकि मैं इसमें नहीं खड़ा होना चाहता इस जुमले के साथ। शेफ मुनीजा प्लीज, आप ऑडियंस को बताएं। बेसिकली कस्टमर इज अ किंग नॉट अ क्वीन,
आपने जो बोला था वो बोलते हैं कस्टमर को हमेशा बीवी की तरह ट्रीट करें, सही होता है, तालियां तालियां प्लीज इसके ऊपर। तो मैं कह रहा हूँ आप कोई एक 10 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन होता है ना, उसका 10 मिनट बजता रहे, बजाएं आप क्लाइंट को, बिल्कुल बीवी की तरह ट्रीट करें। अब क्लाइंट कोई आए, अच्छा अरे तुम बस सोचे, अब सिर्फ सोचे कि रेड कॉल पे क्लाइंट बंद हो जाएगा, कहने कारोबार बंद हो जाएगा। अब रेड कॉल पे फर्ज करें तंजीम साहब का कोई क्लाइंट आए, वो कहेंगे सुने हमें अब रेशमी हांडी है ये है वो, इनको बेगम की तरह ट्रीट करें, सुनो पहले तुम जाके चाय ले करो, तो क्लाइंट वहां से भाग जाएगा। हाँ। ये बातें आपकी ना मुझे कुछ समझ नहीं आती, कुछ समझ आपको मेरी वैसे भी नहीं आती है बातें, लेकिन मैं ये कहूँगी इनकी बेगम कितनी खुश नसीब है, बेगम ही है, बगैर गम के ही है वो, दूध डाल लो जी। अब दूध डालिए तंजीम साहब, जो आपकी वाइफ है वो भी कुकिंग करती है? हाँ वो करती है ऑब्वियसली, वही खिला पिला के तो बड़ा किया उसने। नहीं लेकिन अब उनके जायके में आपके जायके में कभी कोई फ़र्क होता है, या आप कभी इन्फ्लुएंस होते हैं, या उनकी कुकिंग आपकी कुकिंग से इन्फ्लुएंस होती है? नहीं ऐसा नहीं है, दोनों के अलग टेस्ट है, अलग टेस्ट है, और फिर जो चीज़ मैं बनाता हूँ ना तो वो मैनेज कर लेती, अगर मैं नहीं हूँ तो वो मैनेज कर लेती है। ठीक है, कल जैसे मैंने प्लेटर बनाया था घर पे चावल, क्योंकि रेस्टोरेंट में बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कम शॉर्ट पड़ गया, तो बेगम को मैंने फिर व्हाट्सएप किया, मैंने इस तरह करके तैयार कर लो, जब तक उसने कर दिया फटाफट कर, हाँ वो जो है ना वो सेम टेस्ट का था। अच्छा तंजीम साहब, मुझे जो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग लग रही है कि आपने पहले 40 साल का एक इलस्ट्रियस करियर पूरा हैंडल किया, PIAF जैसी एक इतना अजीम इदारा है, मुल्की इदारा है, बिल्कुल, एंड बीइंग एन इंजीनियर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, जो कि बहुत ही कभी कभी ऑफकोर्स ये बिल्कुल ही ऑफ टॉपिक में बात करूँ, कभी कभी आपको पता चलता होगा आजकल के दौर में रिटायरमेंट के बाद PIA का जहाज़ क्रैश हो गया, या खुदा ना खास्ता इंजन ऑफ हो गया था और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, आपका कितना दिल टूटता है, और दिल टूटता है तो क्या डिश ख़राब होती है, पता चला ज़्यादा नमक डाल दिया, टूटता है डिश ख़राब भी, डिश भी टूट जाता है, टूट जाते हैं सर, ये एक बड़ा अलमिया होता है और जिसके लिए हमें तकलीफ दे होता है। लेकिन मुझे एक बात और चीज़ ये है तंजीम साहब, ये उन 40 सालों में जितने अरसे आप PIA से मुंसलिक रहे, काम करते रहे, कभी बीच में आपने ऐसा सोचा कि यार मेरा अपना रेस्टोरेंट होना चाहिए या कैफ़े होना चाहिए? नहीं मैंने कभी नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा, ये आपको रिटायरमेंट के बाद ही ख्याल आया? मैं बेसिकली जो काम कर रहा होता हूँ मैं उस पर अपना पूरा फोकस करता हूँ, फोकस करता हूँ, और उसके अलावा जो है ना इधर उधर ड्रिफ्ट नहीं करता। अच्छा, और वो टाइम कंज्यूमिंग काम है ये, अभी देखे ना मैं सुबह 3-4 बजे फारिग होता हूँ, फजर पढ़ के फिर मैं सोता हूँ, नाश्ता करके फिर 2 बजे उठता हूँ, फिर लग जाता हूँ इसी धंधे में। एक्सेलेंट, तो ये इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, पैशन है, तो इनको मजा आता होगा ये काम। हाँ मुझे बहुत मजा आता है। और हमने ना अभी एक शो हम लोग करेंगे अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर पे, लोगों का जो अटेंशन चीज़ों से बहुत जल्दी लूज हो जाता है। मुझे तो आज तक कशा मुझे पता नहीं चलता मेरा पैशन किस चीज़ में, मुझे हमेशा से मेरा दिल होता था मेरी कॉफ़ी शॉप हो, हाँ इस्तांबुल की सड़क पे किसी कोने में एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप हो जहाँ मैं हूँ, गिटार बज रहे हों और चले बस आप हो कॉफी शॉप में, तो वो तो ब्रेक आप लोग ब्रेक ले, मैं इनको समझा रहा हूँ। और हाँ पैकेज आपको दिखाता हूँ रेड कॉल का, पैकेज देखें और फिर ब्रेक लें। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने के लिए और उसको पसंद करने के लिए। जैसे कि मैं ब्रेक पे जाने से पहले
आपको दिखा रहा था कि हमारे किचन में बहुत ही आज गहमा गहमी है। तंजीम साहब कढ़ाई बना, कहाँ तक पहुँची वैसे कढ़ाई? रेशमी हांडी है। बताइए कहाँ तक पहुँची? डन है, बिल्कुल ऑलमोस्ट डन है। आप ऑलमोस्ट जस्ट बस टॉप अप करना है उसको। हाँ, टॉप अप करना है तो दिखा दीजिए आप, हम कहेंगे। अच्छा, आप जल्दी से रेसिपी तो बताइए। हाँ, मैं बताऊँ? यही हाँ, आप बताएं ना, शेफ मुनीजा ने क्या सीखा और आप बताएं कितनी गलतियां कर रही है तंजीम साहब। चलिए देखते हैं कि इतनी देर में क्या सीखा शेफ मुनीजा। एक्शन एक्शन। तो सबसे पहले इन्होंने हांडी में ऑयल ऐड करा, उसके बाद इन्होंने चिकन ऐड करी, उसको कुक करा, उसके बाद इन्होंने काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और नमक ऐड करा इसके अंदर। उसके साथ साथ इन्होंने दूध भी शामिल करा था, उसको कुक करा ताकि चिकन इनकी टेंडर रहे, जूसी रहे। उसके बाद इन्होंने इसके अंदर क्रीम ऐड करी और इसको कुक करके फ्लेम ऑफ करके इन्होंने फॉइल से कवर कर लिया। और अब जो है ये इसके अंदर क्रीम चीज़ जो है वो ऐड करेंगे। सही क्या लड़की पास है? हाँ, पास होगी। जबरदस्त है मुनीस साहब, मैं मान गया आज ही। आप माने? अब आप और क्या बना रही थी साथ साथ? आज हम बना रहे हैं आम पन्ना, उसके लिए हमने कैरी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दी है तकरीबन 1 kg करीब। इसका हम पल्प निकालेंगे और फिर ड्रिंक बताएंगे हम। जबरदस्त खवातीन और हज़रात, वहाँ पर हमारी रेशमी हांडी तैयार हो गई है और आम पन्ना बनने जा रहा है। लेकिन आज का शो अगर आपको याद पड़ता हो तो मैंने शुरू किया था और इस बात से शुरू किया था कि स्मोकिंग, तम्बाकू नोशी एक बहुत ही हेल्थी भी बीमारी है, एक ज़हनी बीमारी है जिसमें बहुत सारे लोग मुब्तला ऑलरेडी हैं और वक्त के साथ साथ होते रहते हैं। कल नो टोबैको वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया गया था, पूरी दुनिया ने कल वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया था कि तंबाकू और तंबाकू नोशी को नो कहा जाए, मना किया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों की जड़ है और बहुत सारे हमारे बच्चे इसमें मुलव्वस हो जाते हैं, इसको एडिक्टिव एक चीज़ बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी का, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां। आप लोग भी देखते होंगे कि पहले हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते थे कि अरे यार ये तो इतनी छोटी सी एज में देखो ये बच्चा स्मोकिंग कर रहा है। और अगर अब आप अभी किसी 12-13 साल के लड़के को या लड़की को देखते हैं कि वो स्मोकिंग करिए, सिगरेट करिए, तो आप इतना ज़्यादा शौक भी नहीं होते क्योंकि हम इतना देख चुके हैं। अफसोस की बात यह है कि जब इस मुल्क से शीशा बैन हो सकता है, जो कि हुक्का पीते हैं वो बैन हो सकता है, यहाँ पे और दूसरी चीज़ें बैन हो जाती हैं इतनी जल्दी, तो ये जो सिगरेट के डब्बे होते हैं जिन पे इतनी खौफनाक तस्वीरें बना देते हैं, इसको बैन क्यों नहीं करते, जो कि इतनी बीमारियों की जड़ है। आज इसी बारे में हम बात करते हैं कि तंबाकू नोशी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके आपकी साइकोलॉजी पे क्या असरात होते हैं और वो क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप तंबाकू नोशी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद खान साहब फ्रॉम आगा खान, बहुत ही रिप्यूटेड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, फेफड़ों की बीमारियों का इलाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो डॉक्टर साहब। और उनके साथ साथ हमारी साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट किरण जावेद साहिबा मौजूद हैं, जो कि हमारे शो का एक बाकायदा हिस्सा है। और आज किरण भी हमें ये बताएंगी कि वो क्या साइकोलॉजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बच्चे या बड़े तंबाकू नोशी की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज काफ़ी हमने कहा कि थोड़ा सा एक सीरियस और एक काफ़ी एक प्रेवलेंट प्रॉब्लम जो है उसको ज़रा डिस्कस किया जाए। मैं डॉक्टर साहब से आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, तंबाकू नोशी यूजुअली बेसिकली आप एज ए डॉक्टर की टर्मिनोलॉजी में क्या चीज़ को मानते हैं? देखिए भाई, तंबाकू जो है इट्स अदर नेम फॉर डिजीज़, डिसेबिलिटी एंड डेथ। हर साल दुनिया के अंदर 82 लाख अफराद सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल से मौत का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान में ये तादाद है 2 लाख सालाना। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो अमवात हो रही हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आप देख लीजिए, कोविड से जो अमवात हुई या सुसाइडल बॉम्बिंग के अंदर कभी अमवात होती थी या कोई ऑनर किलिंग के अंदर, सारी अमवात आप टोटल कर लें, तंबाकू की वजह से जो अमवात हो रही है इनकी तादाद कई गुना ज़्यादा है। मगर अफसोस हमारे मुल्क में एज अ फैशन अभी भी तंबाकू को एक्सेप्ट किया जाता है, नौजवान सिगरेट पी रहे हैं, बिल्कुल समझते हैं जैसे कोई बात ही नहीं। और जब अफसोस के शुरू करना तो बड़ा आसान होता है, छोड़ना इसका खासा मुश्किल होता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे लोग उस वक्त छोड़ते हैं जब उनको हार्ट अटैक हो जाता है, कैंसर हो जाता है, COPD यानी सांस की एक बीमारी हो जाती है, तब कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी सिगरेट छुड़वा दें। डॉक्टर साहब, मैंने तो इतने बेवकूफ़ इस तरह के लोग भी देखे जिनको ऑलरेडी दमा और सांस का मर्ज है जी, और उसके बावजूद वो सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। सही कह रहे हैं, कुछ लोगों के फेफड़े ख़त्म हो गए होते हैं, ऑक्सीजन लगी होती है और कहते हैं डॉक्टर साहब मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे हाजमे के लिए सिगरेट दे दें। यू नो, ऐसे ऐसे मिसकंसेप्शन लोगों के जहनों में है कि हाजमे के लिए जरूरी है सिगरेट, नज़ले के लिए जरूरी, जी नज़ला सूख जाता है। जी जी जी, ये इतनी सही बात है। आई थिंक दिस इज द राइट पॉइंट टू इन्वॉल्व किरण इन इट। किरण, मुझे बताएं ये जो बात कह रहे हैं, ये साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट होता है लोगों का
सिगरेट की तरह? ये बिल्कुल, देखिए हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है, हम माइंड को जिस तरीके से लेके चलते हैं वैसे चलता है, जिस तरह से लोगों को देखा होता है वही माइंड जो है वो एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट भी कर रहा होता है और वही सब कुछ नक्श कर रहा होता है। राइट, अब क्या है कि अगर ये डॉक्टर साहब की मैं बात लूँ कि नज़ले से या किसी चीज़ की वजह से, हाजमे की वजह से, तो बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा होता है या किसी ने उनको एडवाइस किया होता है कि यार मेरी फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिपेशन का इशू था और मैंने लिया मुझे रिलीफ मिला, या मेरे नज़ले का इशू था मैंने लिया रिलीफ मिला, और तुम चेक करके देखो, और अगर चेक करके इत्तफाकन हो गया तो बस वो माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये अब इसी तरीके से होगा, ये दवा है, ये दवा अब है। मुझे इससे रिलीफ अगर चाहिए इस प्रॉब्लम से तो उसके लिए मुझे यही लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग ये कहते हुए शाम को नीचे उतर जाते हैं, राइट, बाहर चले जाते हैं कि बस हम चक्कर लगा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वैसे स्मोकर्स नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ इस वजूहात की वजह से वो चले जाएंगे। ये तो एक कैटेगरी है, और भी बहुत सी कैटेगरीज हैं, राइट, जिसमें ये भी होता है कि जिस तरह से कूल लगने की भी बात की तो उस पर भी मैं बताऊंगी, सोशली फिटनेस, सोसाइटी में फिट होने के लिए, सोशली फिट होने के लिए, आई स्मोक सो व्हाट, सो व्हाट, यू नो। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंदर भी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज है कि शायद मुझे एक्सेप्ट ना किया जाए, लोग क्या कहेंगे, मतलब जिस क्लास में या जिस सोशल ग्रुप में मैं हूँ वो कहेंगे तुम स्मोक नहीं करते, आई क्रेजी, या यू नो मम्मी डैडी हो या क्या है, यू नो। तो इस चीज़ से भी, इन वजह, इन बातों से बचने के लिए भी वो स्टार्ट कर देते हैं, और यही कहते हैं हम कैजुअल हैं, सिर्फ कभी कभार लेंगे, फ्रेंड्स में लेंगे, जिसको कैटेगरी है सोशल स्मोकर्स, ठीक है, तो उनमें लेंगे, लेकिन पता नहीं चलता कब आप इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। सच अ गुड थिंग दैट यू हैव पॉइंटेड आउट, सोशल स्मोकर डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अरे यार एक दो पफ, मैं तो रोज सिर्फ एक ही दो सिगरेट पीता हूँ, रोज का सिर्फ एक ही पफ ले लेता हूँ, या तो मैं तो मेंथॉल का सिगरेट पीता हूँ। देखिए ये टोटल मिसकंसेप्शन है, बात यह है कि इंसान शुरू तो करता है एज अ सोशल स्मोकर, लेकिन विद इन फ्यू वीक्स देन ही बिकम एडिक्टेड टू इट। कहते हैं निकोटीन जो है सिगरेट में जो होती है, इट्स मोर पावरफुल देन अल्कोहल, मोर पावरफुल देन कोकेन, मोर पावरफुल देन हीरोइन। तो शुरू करना तो आसान, छोड़ना, हीरोइन फिल्म की हीरोइन नहीं, नहीं फिल्म की डॉक्टर साहब, एक तो वो भी वैसे एडिक्टिव होती है, होती है ना, ये देखिए मैं यही यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि डॉक्टर साहब के लिए फिल्म की हीरोइन ज्यादा एडिक्टिव है, ये देखिए डॉक्टर साहब। तो बात ये है कि नौजवान उस वक्त सोचता है कि जनाब जब दिल चाहूंगा छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ना इसका खासा मुश्किल होता है, और चंद हफ्तों की सिगरेट है काफी है आपको सारी उम्र के लिए एडिक्टिव बनाने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताएं, जो शीशा है वो उतना ही नुकसानदेह है, और ये जो आजकल ये जो वेपिंग सॉरी, देखिए एक घंटे शीशा का इस्तेमाल ऐसा है जैसे 200 सिगरेट आपने पी ली, 200। तो वो तो बात ये है कि शीशे के अंदर लोगों को ये बताया जाता है, नौजवानों को, जनाब मुख्तलिफ फ्लेवर्स हैं, फ्रूटी फ्लेवर्स हैं, ये तो पानी है। बात ये है कि अल्लाह ताला ने फेफड़े जो हैं वो फ्रूटी फ्लेवर्स के लिए नहीं बनाए, देयर आर नो फ्लेवर रिसेप्टर्स इन द लंग, एज अ प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी, देयर आर नो टेस्ट बड इन द लंग। अगर किसी को कॉफी पसंद है कॉफी पी ले भाई, कॉफी अंडेलने की जरूरत नहीं है फेफड़े के अंदर धुएं के साथ। बिल्कुल सही बात। तो वेपिंग की जहां तक आपने बात की, अब बात यह है कि टोबैको इंडस्ट्री जो है वो ये देखती है कि जनाब अब सिगरेट के ऊपर सारी दुनिया के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पाबंदी लग रही है, इसलिए कि वहां पे इट्स नॉट सोशली कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल। अब बहुत ज्यादा जो मॉल्स हैं इंग्लैंड में, बहुत सारी जगह वो नो स्मोकिंग जोन, वहां स्मोक फ्री बीचेस हैं, वहां पे आप पार्क्स में नहीं सिगरेट पी सकते, बस स्टॉप पे नहीं पी सकते, तो लाइफ हैज बिकम डिफिकल्ट। अब टोबैको इंडस्ट्री इज फोकसिंग ऑन वेपिंग एंड निकोटीन पाउचेस, ये दो चीजों की फैक्ट्रियां हर जगह लग रही है, यहां लगा ले वहां लगा ले, यहां वो जिस तरह से नसवार होता है इसकी मॉडर्न शक्ल है निकोटीन पाउच, तो वो यहाँ पे रखते हैं। और नौजवानों के लिए दुकानें हर जगह मार्केट में इस वक्त पाकिस्तान में तेजी से खुल रही हैं, और नौजवानों ने ये बताया जा रहा है कि जनाब वेपिंग इज मच सेफर देन सिगरेट एंड निकोटीन पाउच इज मच सेफर देन सिगरेट, दे आर ऑल डेंजरस, दे आर ऑल एडिक्टिव सब्सटेंसेस। मतलब आप एक कहते हैं कि यंगस्टर का जो ब्रेन होता है ना इज वेरी वल्नरेबल टू निकोटीन, निकोटीन डैमेजेस द ब्रेन, और एक मरतबा आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है और वो उस एडिक्शन का आदि हो जाता है, फिर और दूसरी एडिक्शन बड़ा इजी हो जाता है। आखंड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी, इसमें देखा गया था कि जितने भी हमने देखा था जो निहारी हाउसेस के बाहर जो हेरोइनची बैठे हुए थे, सबसे पूछा गया कि पहली चीज़ आपने क्या शुरू की, उनका फर्स्ट स्टेप वॉज द सिगरेट। तो कहते हैं सिगरेट पहली सीढ़ी है टूवर्ड्स अदर एडिक्टिव सब्सटेंस। चरस का इस्तेमाल भी हमारे मुल्क में बढ़ रहा है, और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज़्यादा जो चरस कंज्यूम हो रही है वो कराची के अंदर कंज्यूम हो रही है, हर पान वाला जो है चरस बेच रहा है। तो ये बहुत
डॉक्टर साहब आपको कैसे पता हर पान वाला चर्च बेचता है? इसलिए कि हमारे पास नौजवान आते हैं, बताते हैं और वो यही बताते हैं कि यही बताते हैं। जरा मैंने पूछा कहाँ से खरीदा, मेरे पास स्कूलों के बच्चे जो हैं कहते कॉलेज के बच्चे पेरेंट्स लेकर आते हैं कि जनाब हम तो समझते थे ये सिगरेट तो छोटी सी बीमारी थी मगर अब तो चरस इसने पीना शुरू कर दिया। मैं उनसे पूछता हूँ चरस कहाँ से लिया? जी हमारे स्कूल के बाहर एक शॉप है वो बेच रही है चरस। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जा रही है खवातीनों हजरात, डॉक्टर साहब और हमारी साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद है। कहीं में जाएगा आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग साहब, बहुत ही हम ब्रेक में भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि जो सिगरेट पीना है हमारी यूथ जिसकी तरफ इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है उसकी वजह क्या है। अभी बड़ी अच्छी चीज़ किरण ने भी बताई। डॉक्टर साहब आपने नोटिस किया होगा 12-13 साल के बच्चे आजकल स्मोकिंग करना शुरू हो जाते हैं, और किरण आपने आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं आपने कभी देखा कि कोई बिला वजह एडिक्टिव हुई हुई हो टुवर्ड्स स्मोकिंग? अगर आप एज रिलेटेड बात करें तो मैं आपको बताऊँ, हाँ बिल्कुल होती हैं, और उसमें ये होता है कि यूजिंग से ही पहले स्टार्ट होती है, देन कैटेगरीज होती है यूज़र की और एडिक्ट की, ठीक है? तो पहले यूजिंग से ही स्टार्ट करते हैं तो वो यूज़र होते हैं, उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इतनी हाईली एडिक्टिव है निकोटीन तो उसके एडिक्ट बन जाते हैं, और फिर जब वो एडिक्ट बन जाती हैं तो फिर उसके बाद फिर डेफिनेटली वो इसी प्लीज से आती हैं कि हमें इससे बचाया जा सके। अब जो रीजंस देती हैं फीमेल, सॉरी टू कट यू, बट जो रीजंस देती हैं फीमेल वो ये कि स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस रिलेटेड भी है, ये रिलैक्स करता है थोड़ा मसल्स को, ये जो है ये थोड़ा सा आपको टाइम आउट मिलता है, आपकी फ्रस्ट्रेशन कम होती है। अब देखिए कहीं ना कहीं इनकी बात, और ये सिर्फ फीमेल्स नहीं, ये मेल्स भी रिपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं ये बात ठीक है, लेकिन बैड न्यूज़ इज एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये सिर्फ टेम्प्ररी इफेक्ट है, लॉन्ग रन में निकोटीन इज हाईली एडिक्टिव एंड हैव बहुत ही एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज, बहुत ख़तरनाक इसके नतज हैं लॉन्ग रन में, क्योंकि आपका कंसनट्रेशन आउट हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, एनजाइटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी निकोटीन की कंजम्पशन और बढ़ जाती है, तो फिर आप इसी तरीके से उसके टॉलरेंस लेवल की बात है ना, राइट? तो फिर आपको एक काफ़ी नहीं होगी, दो तीन काफ़ी होंगी, फिर दो तीन भी नहीं होंगी, और फिर इस तरह करते करते यू नो उन्हीं साइकोलॉजिकल वजूहात की वजह से जिनके आप ले रहे थे, ठीक है कि आपको रिजल्ट्स आसानी से मिले और आप रिलैक्स हो जाएं, लेकिन फिर आप देखेंगे कि वही आपके लिए डिजास्ट्रस हो गए। अच्छा डॉक्टर साहब आपके पास जो क्लाइंट्स यूजुअली आते हैं चाहे मर्द हो चाहे खवातीन हो, आपको लगता है कि वो जो डिप्रेशन में या जो एंजाइटी में वो आर दे ऑल स्मोकर्स, क्या सब स्मोकिंग करते हैं या मेजॉरिटी? देखिए इसी इसमें ऐसा नहीं है कि यस मेजॉरिटी वाली बात है, सब नहीं लेकिन मेजॉरिटी काफ़ी है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं किसी ने ये बताया है कि इसके थ्रू यू कैन फील रिलैक्स एंड फील हैप्पी एंड फील हैप्पी। होता क्या है निकोटीन जो है आपके जब ब्रेन रिसेप्टर्स पे जाती है ना तो आपके डोपामिन लेवल्स को इंक्रीज करती है। डोपामिन क्या है, आपको अच्छा जब इंक्रीज होगा लेवल तो आप हैप्पी फील करेंगे, आप अच्छा फील करेंगे, सेटिस्फाइड प्लेजर फील करेंगे। डॉक्टर साहब ये जो डोपामिन है जो हैप्पी हार्मोन है ये तो आपको कुछ मतलब अच्छी मूवीज देख के अच्छे लोगों से मिलके एग्जैक्टली दैट्स अ नेचुरल वे, यही तो कुदरती वे है, लेकिन कुदरती वे काफी नहीं होता ना, जब स्ट्रेस है तो कुदरती वे काफी नहीं हो रहा है। मुझे नाम डोपामिन रखना चाहिए because I have that effect today. Everybody would want you. हर कोई चाहेगा कि आप उनके पास हो, है ना? Why not, डॉक्टर साहब? मुझे लग रहा है कि अगर आप टेलीविजन पे आ रहे हैं और आपकी रसाई है लोगों तक, तो आप एक डोपामिन का काम करें, लोग आपको बिल्कुल देख के अच्छा महसूस करें। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, दो आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ। एक तो ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनका ये मानना है, डॉक्टर साहब अभी यही कह रही थी कि उनको ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है पहले से दिमाग में किसी ने बिठाया हुआ है कि नहीं यार ऐसे हल्का सा सुरूर रहता है और आप रिलैक्स रहते हैं। एक तो सवाल ये हो गया। दूसरा डॉक्टर साहब ये कि जब सिगरेट के डब्बों पे इतनी खौफनाक तस्वीरें हैं और मोहलिक बीमारियों की तरफ आपको सिगरेट ले जाता है तो ये क्यों नहीं बैन होता? हाँ देखिए पहले सवाल जो आपने किया ये टोटल मिसकंसेप्शन है लोगों के जहनों में कि स्मोकिंग से स्ट्रेस कम होता है। मैं उनसे कहता हूँ थोड़ा सा हीरोइन पी लें स्ट्रेस और कम हो जाएगा, थोड़ा सा आप अल्कोहल पी लें और कम हो जाएगा। किसी भी एडिक्टिव सब्सटेंस का सहारा लेना, देखिए इट स्टिमुलेट द ब्रेन देन फॉलोड बाय डिप्रेशन, और फिर इन ऑर्डर टू मेंटेन द अलर्टनेस आप फिर उसको इस्तेमाल जारी रखते हैं। कहते हैं निकोटीन एक्चुअली इज एंग्जियोजेनिक, इट इंक्रीजेज योर एंग्जाइटी लेवल। रिसर्च साबित किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में रिसर्च हुई
उसमें देखा गया, एक ग्रुप को दिया गया जो स्मोकर्स थे, एक था जिन्होंने स्मोकिंग छोड़ दी, और इनका एंग्जाइटी लेवल मेजर किया गया। तो फर्स्ट 48 आवर्स में आफ्टर क्विटिंग स्मोकिंग आपका एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, कम होता रहता है, और अगर 4 हफ्ते के बाद आप एंग्जाइटी लेवल मेजर करें, जिसने सिगरेट छोड़ दी है उसकी ज़िंदगी ज़्यादा पुरसकून होगी, और जो अभी भी सिगरेट पी रहा है उसका एंग्जाइटी लेवल यूं यूं हो रहा होता है, और मूड स्विंग्स होते हैं। जी मूड स्विंग्स होते हैं, वो हर बार जो जरा से भी स्ट्रेसफुल चीज आए वो समझता है कि मुझे अब सिगरेट की तलब है, एनी स्टार्ट लाइट अप सिगरेट। डॉक्टर साहब, मैंने जो मैं कभी ट्रैवल करता हूँ तो मैं लॉन्ग फ्लाइट्स पे लोगों को देखता हूँ ना, जो 12 घंटे या 18 घंटे की फ्लाइट्स होती हैं, जैसी फ्लाइट रुकती है लैंड करती है ना, वो बीच में उसके लिए दूसरे जहाज पे जाने, जी जी बिल्कुल कनेक्शन पे, पागलों की तरह लोग, इस तरह लोग बाथरूम के लिए नहीं भागते जिस तरह एक स्मोकिंग लाउंज के लिए भागते हैं। रमजान में क्या होता है आफ्टर इफ्तार, जी भूख बर्दाश्त है, खाऊंगा नहीं, पानी पिया और भाग गए। लेकिन एक ब्रेक, हमें एक ब्रेक लेना है खबरतीन, ब्रेक पे जाने से पहले एक क्विक क्वेश्चन, डॉक्टर साहब कभी जवानी में या जब हम लोग, जब आप, हम लोग एक ही एज के, वैसे जब स्कूल कॉलेज में कभी आपको अट्रैक्ट किया था सिगरेट पीने? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक घर का माहौल जो है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी डॉक्टर्स थे, भाई भी डॉक्टर थे, तो कभी सोचा भी नहीं सिगरेट की तरफ रुझान करने का। लेकिन आई थिंक आपका सवाल बहुत अहम है कि पीपल लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स, एल्डर से, बच्चे जो सिगरेट शुरू करते हैं अपने माहौल से देखते हैं। अगर आज बड़े को, बड़े अगर कहेंगे बच्चे से सिगरेट ना पियो, तो बच्चे कहेंगे वालिद साहब आप खुद तो सिगरेट छोड़ें, तो पेरेंट्स हैव टू एक्ट एज अ रोल मॉडल फॉर देयर चिल्ड्रन। और ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज तो वर्ल्ड नो टोबैको डे कर रहे हैं, जो गुटखा और वो जो मेन पूरी जो मावा जो कि बहुत सारे लोग बच्चे खाते हैं, यंगस्टर्स, उनको जब भी कहो कि आप ये क्यों खा रहे, तो ये कहते हैं कि हमारे वालिद साहब खाते हैं, और उनको बड़ा सूट करता है। खवातीन और हजरात, इस बेवकूफ़ी के नोट पर हम एक ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, देख लेते मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, और आज हमारे किचन में बहुत गहमा गहमी है शहबुनीसा, आज तो आपने मुझे मिस ही नहीं किया किचन में, ये आज बहन भाई का रिश्ता भूल गई, सब भूल गई, आज सारी नजर थी सिर्फ इस पे रेशमी हांडी पे। बिल्कुल मैं इसी को देख रही थी, आपको तो मैंने वहां देखा ही नहीं। तंजीन साहब, मैं चाहता हूं आप लाइव ये हांडी मुझे गिफ्ट कर, और इसके सारे जितने भी वो हैं जुमला हुकूक वो मेरे पास है। वाह भाई, हां बताएं, आप तो फायदे में रहेंगे, आप तो फिक्र नहीं करें, सब फायदे में रहेंगे। कुछ लोग हैं पड़ोसी मुल्क जो कि शायद फायदा ना उठा सके, लेकिन चलो कोई बात, ये आपका हुआ, ये मेरा हुआ बस। तंजीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तंजीन साहब मुझे एक बात बताएं जल्दी से, अगर हम इसका एक रीकैप अभी हमने दिया था, मुझे एक बात बताएं, अगर बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह के जो कि जो बच जाती है हांडी, खाना सालन बच जाता है, उसको अगली सुबह बनाते हैं और खाते हैं, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी हांडी होती है जो मिट्टी के बर्तन में बना होता है, वो अगली सुबह ज्यादा लजीज हो जाता है, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, अगर देखिए सुबह इसको नाश्ते में मैं इसी डिश को खाऊं, तो इसको मैं दोबारा से एकदम से इसको तड़का शड़का क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं करें, आप थोड़ा सा मिल्क मिला के दूध मिलाएं, हां बस, और उसको गर्म कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली दूध में सब कुछ हुआ है, दूध में हुआ है, तो दूध डालेंगे और सारा प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट है इसमें, ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा ऐसा नहीं है, दूध में आपको सही फुल क्रीम मिल्क डालें और थोड़ा सा इसको फ्राई पैन में आप इसको तड़का दें, इसी हांडी में कर लीजिएगा ना, हांडी में ही, अच्छा इसी में कर लें, इसी में थोड़ा दूध डाल के इसको गरम, थोड़ा सा गरम कर लें, वैसे भी उन्होंने आपको गिफ्ट कर दिया ना, ये हांडी के अंदर है, वो भी मुझे ही गिफ्ट किया है शर्मिला साहब, आप बेफिक्र, मैंने आपकी हेल्प करी, आपने इनको गिफ्ट कर दिया, क्या बात हुई, मेरे पास एक और आप भी हांडी है, ठीक है, एक और हांडी भी है, एक और हांडी है, हांडी की बात नहीं ना, हांडी के अंदर जो चिकन है उसकी बात है, सर ये अच्छे बच्चों की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर ले आपने, हां देखिए कितनी अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको तंग तो नहीं किया शर्मिला ने तंजीन साहब? नहीं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं जी, शी इज अ परफेक्ट शेफ, अगर हमारी ऑडियंस आए, हमारे जो देखने वाले हैं, वो कौन सी 4 ऐसी डिशेज हैं जो लाजमी ट्राई करें? एक तो ये पनीर रेशमी आंटी, मेरा सिग्नेचर आइटम है चीज कढ़ाई, जो लोग बहुत शौक से खाते हैं, कागज कलम लें और लिखें रेड कोल पे, आपने जाना है गुलशन इकबाल में है रेड कोल,
आपने एक दो खानी है रेशमी हांडी जी, पनीर कढ़ाई जी, चीज कढ़ाई और चुटकी कबाब। चुटकी कबाब, हाँ, इट्स ऑलमोस्ट डिफरेंट थिंग है, आपको मार्केट में कहीं नहीं। और ये सारे सारा चिकन में? हाँ, चुटकी कबाब जो है मिक्स है। अच्छा, इसमें बीफ भी है चिकन भी है, लेकिन अगर कोई कस्टमर बीफ नहीं खाता है तो हम चिकन में बना देते हैं। ठीक है ना, मिन्स मीट में बनता है ये, और फिर मटन कढ़ाई भी हमारे अल्लाह करम है, और बर्गर्स भी हमारे पास क्वालिटी के बर्गर्स भी हैं, मटन कढ़ाई भी है, और मीठे में कुछ है? मीठे में हमें ना आप है ना? अरे वाह, क्या बात की तंजीम साहब, ये आपने बात दिल खुश कर दी। आपसे मुलाकात भी तो हो सकती है ना हमारे लोगों की, अगर चाहें एनी टाइम। बेहतरीन, जबरदस्त। अभी तंजीम साहब ने आज बनाई है रेशमी हांडी यहाँ पे, और आप क्या बना रही हैं? मैंने आम पन्ना जो है वो बना रही हूँ, ऑलमोस्ट डन है। रेसिपी बता दूँ? प्लीज़ बताइए। ठीक है, हमने यहाँ पे 1 kg जो है वो कैरी ले ली, उसको बॉईल कर लिया, उसका पल्प निकाल लिया, उसके बाद मैंने उसको थोड़ा सा पानी के साथ ब्लेंड कर लिया क्योंकि बहुत थिक हो गया था वो। उसके अंदर मैंने तकरीबन 1 cup चीनी शामिल करी है, साथ साथ मैंने इसके अंदर काला नमक 1 teaspoon, 1 tablespoon चाट मसाला 1 teaspoon, थोड़ा सा नमक शामिल करा हसबे जायका, और इसको मैंने मिक्स कर लिया। अब जो है ये जो आप बना के ना इसको स्टोर कर सकते हैं आराम से, 15 दिन कहीं नहीं जाता, आपके फ्रिज में आप रख दें। उसके बाद ये जो है ना बेहतरीन है आपकी, जैसे ये हीट स्ट्रोक या गर्मी का मौसम है इस वक्त, तो आप ये लें, आपके लिए समझे कि वो हीट स्ट्रोक से बचाएगा, आपको मेदे को ठंडा कर देगा। कैरी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ये एक इम्यूनिटी बूस्टर है, साथ साथ जो है विटामिन सी है इसके अंदर, तो ये आप लाजिम लें कैरी को जो इस मौसम में है, तो आप बिल्कुल इसको डिफरेंट फॉर्म्स में ले सकते हैं। कैरी को कैरी करें, हाँ, कैरी को कैरी करें, कैरी को कैरी। और हमने ग्लास के अंदर ये जो हमने मिक्सचर तैयार किया था ये ऐड करा, साथ में मिंट लीव्स ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी आइस ऐड करूँगी, और इसके साथ साथ हम इसके अंदर पानी, बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसको ले लूँ, हाँ, बस दैट्स इट, बस इसको हम मिक्स कर लेंगे, और ये मज़ेदार सा हमारा आम पन्ना। खट्टा तो नहीं होगा? शब्दी नहीं, नहीं, ये खट्टा मीठा होगा, खट्टा मीठा होगा, हाँ, बस ये आप, आपकी जरा, हाँ, नहीं आप, सॉरी, खट्टा मीठा है, कड़वा नहीं, उफ अल्लाह, सॉरी, ट्राई करके देखते हैं ये कैसा बना है। बस नहीं, ये की कहाँ से आवाज़ आई थी वहाँ पे, स्पीलिंग पियाव रहे, आवाज़ वहाँ से आ रही है। ये तो स्पाइसी है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करा है, हाँ, पोर्टुगीज लेमोनेड टाइप, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। बहुत बहुत शुक्रिया तंजीम साहब, थैंक यू, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो, लेकिन हम आपको तकलीफ देते रहेंगे, अगली बार अपने चुटकी कबाब बना लें, ठीक है, और कोई बात नहीं, हम उनको उस दिन की छुट्टी करा देंगे, आप टेंशन मत लें, टेंशन आपने नहीं लेना, आप टेंशन मत लें, छुट्टी तो यू करा, बट टेंशन उनको थोड़ी, टेंशन तो आपको होती है मेरे आने से, जब भी तो आप चाहते मैं आऊं ही ना, ऐसी कोई बात नहीं। शेफुनी साहब, आप हमारे शो का एक बहुत बड़ा सितारा है, जो हम चाहते हैं हमेशा जगमगाते रहे। खवातीन और हज़रात, आई एम श्योर आज आपने ये रेशमी हांडी और आम पना इन्जॉय किया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हम चलते हैं हमारे डॉक्टर्स की तरफ, और आप लोग रेसिपी कार्ड देखिए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, बड़े मज़े का था आम पन्ना, पिया आपने वैसे किरण कभी आम पन्ना पिया आपने? एक दफा पिया था, इट्स गुड, इट्स गुड ना, एंड आई एम श्योर शेफ मुनीजा ने बहुत अच्छा बनाया, शेफ मुनीजा ना खाना वैसे वो अच्छा बनाती है, उनकी बातें आप इग्नोर करते हैं, लेकिन जो काम काम, काम अच्छा करती है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बहुत ही गंभीर सवाल, जो कि एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक सवाल है, हम निकोटीन की एडिक्शन जो है, जो एक सिगरेट फ्रीली बच्चों में बांट दिया जाता है, जो दुकानदार किसी भी एज के बच्चे को सिर्फ बिक्री की नियत से भेज देते हैं, इसको कंट्रोल कैसे करें? देखिए, सारी दुनिया के अंदर तंबाकू का ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये सूरत हाल नहीं है, तंबाकू यहाँ पे बहुत आम है। वो क्या मेजर्स वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लिए जहाँ तंबाकू कंट्रोल हुआ? पहली चीज़ यह है कि उन्होंने टोबैको को महंगा कर दिया, पाकिस्तान में इस वक्त दुनिया में सबसे सस्ते सिगरेट पाकिस्तान में मिल रहे हैं, ठीक है। नंबर दो के ऊपर, वहाँ पे उन्होंने पब्लिक प्लेसेस के ऊपर स्मोकिंग का जो कानून था उस पर अमल दरामद किया, यानी कोई पब्लिक प्लेसेस पे, किसी बस में, किसी ट्रेन में, कहीं बस स्टॉप पे, कहीं कोई सिगरेट नहीं पीता। स्मोकिंग नाउ इज़ कंसिडर्ड सोशली नॉट एक्सेप्टेबल देयर, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर महफिल में चले जाइए, हमारे पॉलिटिशियन भी सिगरेट पी रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी सिगरेट हो रहा है, हमारे मतलब है कि मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस के ऊपर सिगरेट पी रहे हैं, तो इस पर, और इसके अलावा जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल्स हैं, उनको ये स्टेप लेना चाहिए, नो स्मोकिंग जोन करार दें पूरी बिल्डिंग्स को।
जी हाँ। कि अगर आपने स्मोकिंग करनी है तो बाहर कहीं जाके करें। देखिए तमाम हॉस्पिटल्स, तमाम यूनिवर्सिटियाँ स्मोक फ्री जोन्स हैं। लॉ कहता है कि विद इन 50 meters ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिगरेट की दुकान नहीं होगी, और यहाँ यूनिवर्सिटीज के अंदर सिगरेट की दुकानें हैं, यूनिवर्सिटीज के अंदर लोग सिगरेट पी रहे हैं। तो जनाब लॉ तो हम लेकर आ गए, लेकिन लॉ पे अमल दरामद नहीं किया गया। पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग फॉर एग्जाम्पल, लॉ कहता है कि हर सिगरेट पैक के ऊपर एक पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग हो, लेकिन 40-50% इस वक्त सिगरेट पैक मार्केट में मिल रहे हैं जिस पर कोई पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग नहीं है। तो जी बिल्कुल मिल रहे हैं। तो ये जो है क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट का फर्ज है कि जनाब हुकूमत ने इसकी तरफ एक कदम उठाया है। एक लास्ट चीज अगर मैं सिर्फ बता दूं कि 615 अरब रुपए सालाना सिर्फ तंबाकू की मद में हम जाया कर रहे हैं। 615 अरब रुपए ह्यूज इनकम है, इससे कितने अस्पताल बन सकते हैं, कितने यूनिवर्सिटीज बन सकती है, कितने मतलब स्कूल बन सकते हैं, और हम ये जाया कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर वेरी क्विकली, वक्त थोड़ा सा कम है, अगर कोई पेरेंट्स ये डिस्कवर करें कि उनके बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, उनको इमीजिएटली क्या इकदाम उठाना चाहिए? देखिए उनको जाहिर सी बात है, इनको अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाहर कहीं ना कहीं इस चीज़ पे स्केप ढूंढ रहे हैं, ठीक है। फिर नहीं तो उनसे कम्युनिकेशन भी कीजिए, उनसे बात कीजिए, क्योंकि अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को रिप्लेस करने के लिए और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, उसको डील करने के लिए और भी वेज हो सकते हैं, लाजमी नहीं है सिगरेट ही हो, राइट। तो उन डीलिंग जो दूसरी स्ट्रैटेजीज हैं उन पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा खुद से जो जो चीज़ें हैं उसमें आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा ये कर सकते हैं, और अगर इन सब चीज़ों से भी आपको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा तो प्लीज़ काउंसलिंग सीख करें, थेरेपिस्ट के पास जाए, क्योंकि फिर वो आपको प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू सिस्टमैटिक वे में जो स्मोकिंग से स्मोकिंग सजेशन प्रोग्राम्स होते हैं, स्मोकिंग को क्विट कैसे करते हैं, ठीक है, उस तरीके से ये चीज़ें आपकी चल सकती हैं। बट इन एनी वे हेल्प ज़रूर लीजिए, बिकॉज ना डॉक्टर साहब ने कहा और हम सब भी डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह ये सेहत के लिए हाजिरियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया किरण, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, लवली हैविंग यू ऑन द शो, बहुत मज़ा आया। और एक अच्छी बात ख़वातीन और हज़रात, जो कि मैं आप लोगों से कहना ये चाहता हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को अपने बच्चों के आगे इस तरह की गलत चीज़ें नहीं करनी, सिगरेट नहीं पीना, लड़ना नहीं है, गुटखा नहीं खाना, क्योंकि आप अपने बच्चों के हीरोज़ हैं। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार सा शो लेके। वर्ल्ड नो टोबैको डे कल मनाया गया था, हम आज मना रहे हैं, लेकिन आपने ये दिन रोज़ मनाना है। से नो टू टोबैको, सिगरेट नोशी ख़त्म कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।